नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। और मैं ओलंपिक कॉल रहा। इस समय की स्थिति ये कहती है कि 10,500 का जो आज का पुल बैक का ट्रेड है वो तो अचीव हो गया, लेकिन क्या उसके बाद की रणनीति क्या होनी चाहिए ये समझना बेहद अहम होगा, क्योंकि यहाँ से अगर पुल बैक नहीं स्ट्रांग मिला तो वापस फिर बाजार के अंदर तेज गिरावट आने के फिर से आसार बनते हैं। बैंक निफ्टी दो दिन से सहारा दे रहा था, आज दीपाली ऐसा लग रहा था कि शायद बैंक निफ्टी अगर नहीं चला या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो 500 पाना मुश्किल हो जाएगा। आज बैंक निफ्टी ने फिर से इमोशनल सपोर्ट दिया, दूसरा सपोर्ट हमको इन्फ्रा से, कुछ हद तक मेटल से, कुछ हद तक आईटी फार्मा से भी मिला, और इस वजह से आज बाजार काफी अच्छा चल गया। इमोशनल सपोर्ट आज बैंक निफ्टी का जरूर था। खैर, हर घंटे की स्ट्रेटजी आपके सामने लगातार आ ही रही है, पोल आपके सामने आ ही रहा है। सबसे पहले आज का जरा पहले लाइनअप देख लेते हैं, यानी कि आज कार्यक्रम में क्या क्या होगा, फिर पांच बड़ी बातों के साथ हम ये जानेंगे कि आखिर आज ट्रेड कैसे लेना चाहिए। सबसे पहले 2:05 पर इवेंट्स आपके सामने उतारेंगे, जो कल के इवेंट्स होंगे इस पर आज ध्यान रखिएगा। कैडिला, सनफार्मा, टेक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी नंबर आने हैं, अभी कई बैंक के नंबर आने बाकी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने नतीजे उतारेगा, उससे पहले थोड़ा चल रहा है, समझ लीजिएगा अनुमान क्या है। कमोडिटी बाजार में कहां कमाई के मौके, खासकर कच्चे तेल को लेकर, क्या वापस हम $80 को तोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि सरकार बड़ी चिंतित है इसको लेकर, ये जानना होगा। 2:30 पर BTSTT की लाइन खुल जाएगी, तो लगातार हमारे दो मेहमान कुणाल सारोगी जी और राकेश जी लगातार आपको कुछ बेहतरीन BTSTT दे रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। और अनिल सिंह विकी आखिरी घंटे में जो निफ्टी को लेकर स्ट्रेटजी है वो भी हम आपके सामने साझा करेंगे। जी, दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त बाजार की बड़ी बातें बता देते हैं। बाजार में हमने देखा है तेजी बढ़ी है, आज निफ्टी इंट्राडे में 10,500 के नजदीक पहुंचा है, हालांकि अब 10,478 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। सुबह इनफैक्ट बाजार खुलने से पहले हम इसी रणनीति की बात भी कर रहे थे, अनिल जी यही कह रहे थे कि मजबूत खुल सकते हैं, अगर हदसद ऊपर गए तो 10,500 वहां जाकर निफ्टी अटक सकता है, वो आज के सत्र में दिखा भी है। लेकिन बैंक निफ्टी की ओर से जबरदस्त सपोर्ट मिला है आज के सत्र में, आज वीकली एक्सपायरी है, उससे ठीक पहले अच्छी मजबूती बैंक निफ्टी में देखी गई, और अब ये दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 140 अंकों की बढ़त लेकर 25,800 के ऊपर अभी ट्रेड करते हुए। सपोर्ट किन सेक्टर्स आया उसमें आप देखिए, आईटी स्टॉक्स में जोरदार खरीदारी देखी गई है, सुबह से ये पूरा स्पेस मजबूत था और वो मजबूती अभी भी बरकरार है। TCS 3% से ज्यादा मजबूत है, और इनफैक्ट आईटी में अगर आप डिफेंसिव सेक्टर्स को देखेंगे तो आज फार्मा ने भी अपना रोल पूरा निभाया है, फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखी है हमने, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी मजबूत भी दिखा है और काफी कमजोर भी दिखा है। टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे वो 6% टूटा है, जेट एवरेज नतीजों के बाद 6% टूटा है, अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर भी रहे थे ONGC और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स भी 8-9% अब लुढ़क चुके हैं। तो और मिड कैप और स्मॉल कैप में कई ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर नतीजों के दम पर खरीदारी बनी है, जैसे कि NCC, तो स्टॉक स्पेसिफिक काफी वाइब्रेंट रहा है आज के सत्र। बिल्कुल ठीक है, इंडेक्स तो अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग मैनेज हो ही रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। तीन मेहमान इस बीच में साथ जुड़ चुके हैं, तीनों के तीनों टेक्निकल एनालिस्ट हैं, इसलिए कोई सौदा मिस होगा नहीं। जैसे उस शेयर के अंदर थोड़ी भी हलचल हो रही होगी, होने को है, आपको सबसे पहले पता लग जाएगा। सिमी बॉम्बे हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हैं, और स्टूडियोज में दो मेहमान मेरे साथ हैं, राकेश बंसल और कुणाल सरोगी, उन तीनों से हम बातचीत करेंगे। क्या कुणाल जी, पहले मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, जरा मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि आज निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपको कहां पे दिख रही है, मतलब निफ्टी आज कहां पे बंद होगा और वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की कहां पे होगी? देखिए, मुझे लगता है डिम्पे कि आज की जो निफ्टी की बात पहले करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी पर एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न अभी बन रहा है। अच्छी बात यह है कि निफ्टी 10,400 जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ा सपोर्ट होगा, उन्हीं स्तरों से एक बाउंस आ जाते हुए दिखा है। अगर थोड़ी बहुत आपको गिरावट भी आती हुई दिखे तो ऐसे कोई खास चिंता की वजह नहीं है, जब तक 10,400 होल्ड कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि 10,450-10,475 के बीच में ही कहीं आज के दिन की बंदी होनी चाहिए। बैंक निफ्टी की बंदी ज्यादा महत्व रखती है क्योंकि आज एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी मुझे है कि 25,700 के ऊपर अगर आज बंदी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कल परसों भी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन 25,700 के ऊपर आज की एक्सपायरी आनी चाहिए। 25,700 से लेकर 25,650 के बीच मुझे उम्मीद है कि एक्सपायरी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा पोल भी कह रहा था कि 25,700 से 800 के बीच में ज्यादातर ब्रोकर्स 40% ब्रोकर्स ये कह रहे थे कि इसके अंदर आना चाहिए, और सिर्फ 40% की बात नहीं है बल्कि कन्विक्शन तो ये कह रहा था कि 25,600 टूटेगा नहीं और 800 के आसपास पार करने में टिकने में दिक्कत होगी। अभी ठीक वैसे ऑलमोस्ट 75% ब्रोकर्स ये मान रहे थे, 75% मेजोरिटी हिस्सा बाजार का ये कह रहा था, बिल्कुल सटीक साबित हुआ। अब एक्सपायरी से पहले अगर आप एक घंटा पहले सौदा काट भी लें तो क्या गरज है, आपको लेवल्स मिलने चाहिए थे ना, आपको आइडिया मिलना चाहिए था। बाजार जिस समय बंद था तब ये बताया गया था कि ये लेवल्स आपको आज दिख सकते हैं, अब वो लेवल्स एक घंटा पहले दिख गए, यानी आपका महापोल सटीक बैठने की तैयारी कर रहा है, फिर से सटीक। ये तीसरा बाजार बंद होते होते मोहर भी लग जाएगी इस पर, जो महापोल डिम्पी लेकर आए थे सुबह, लेकिन जैसे बताया गया था, जो स्ट्रेटेजी बताई गई थी आपको, उसी के हिसाब से बैंक निफ्टी में आज ट्रेड बनता हुआ दिखा है। लेकिन
स्टॉक्स पर हम बातचीत करें उससे पहले कल के इवेंट जान लेते हैं, कल के आने वाले नतीजों को भी समझ लेते हैं। पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, मानसी मौजूद है कल के इवेंट्स लेकर। अंचल बताएंगे कैडिला सन फार्मा के नतीजे कैसे रह सकते हैं जो कि कल जारी होंगे। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एनबीसीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनके नंबर्स को भी समझेंगे। लेकिन पहले चलते हैं मानसी के पास। बताइए मानसी, कल क्या अहम इवेंट्स हैं? जी बिल्कुल दीपाली, तो मार्केट में ट्रेडिंग टाइम बढ़ाने को लेकर हर तरफ चर्चा है और खास करके ब्रोकर्स लॉबी ये नहीं चाहती कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग आज जो हैं उन्हें बढ़ाया जाए, खासकर वो छोटे ब्रोकर्स जो इक्विटी में ज़्यादा कामकाज करते हैं, क्योंकि इससे उनकी लागत बढ़ने की संभावना है। तो इसीलिए कल सेबी और ब्रोकर्स जो है उनकी अहम बैठक कल होने वाली है और इसी पर मार्केट की नज़र रहेगी। साथ ही रिजल्ट्स की, नतीजों की अगर हम बात करें तो फार्मा स्पेस में सन फार्मा के नतीजे आएंगे, साथ ही टेक महिंद्रा के नतीजे भी कल होंगे, तो इस पर भी मार्केट की नज़र रहेगी। उसके अलावा F&O में BEML, BOB, कैडिला, हेल्थ केयर, IDBI बैंक, NBCC जैसी कंपनीज के नतीजे हम कल आते देखेंगे। और उसके अलावा जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया प्रॉफिट लीग वो कल भी जारी रहेगी, तो इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। आखिरी वाला सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंडिया प्रॉफिट लीग। दिप्पी आज तो आप खेले इस मैच में? आज हैदराबाद की तरफ से हमने आज रखी थी पारी और उसमें जो शेयर हमने रखा है, राकेश जी भी हमारे साथ थे आज फॉरेन प्लेयर के तौर पर, कुणाल जी ने भी आज पारी खेली। आज बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया, काफी सारे शेयर का रोमांच फिर से होगा 11 बजे। इससे हो सकता है ज्यादा ही हो और वे गारंटी इससे ज्यादा ही होगा, तो आज का जो मजा था उससे कहीं ज्यादा होगा। मतलब कल से ज्यादा मजा आज आया, आज से ज्यादा मजा कल आया, लेकिन क्या होगा शो में वो तो कल ही पता लगेगा। ये सस्पेंस है, कह रहे लेकिन एक सस्पेंस लगातार टूट रहा है, वो है कच्चे तेल को लेकर और सरकार की नीति को लेकर। सरकार कह रही है कि कोई जल्दबाजी में फैसला लेंगे नहीं, नीतिगत फैसला लेंगे। ये नीतिगत फैसला कोई विंडफॉल टैक्स के तौर पर तो नहीं है, ऐसा देख के तो लग रहा है, क्योंकि कच्चा तेल टूटने का नाम नहीं ले रहा। ONGC और ऑयल इंडिया जो कच्चे तेल के बढ़ने पर ही चलते हैं वो डे लो पे हैं। इसका मतलब कच्चे तेल से इनका कनेक्शन हट गया, सरकार की पॉलिसी से कनेक्शन जुड़ गया और पॉलिसी में विंडफॉल टैक्स। और आप थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे, मैं सुन रही थी कि एक्साइज ड्यूटी अगर वो कट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो ऑयल पर सेस लगता है उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी, तो डेफिनेटली इनका बर्डन बढ़ जाएगा। ऑयल इंडिया दोनों ये डे लो पे आके कामकाज कर रहे हैं। कुणाल जी, एक बार आपकी रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ रही है हमको कि ये और कितना टूटेंगे, कि देखिए है तो ये पॉलिसी बेस्ड है, ऐसा तो हो गया नहीं 8% ऐसे टूट रहा है और कोई खबर भी नहीं है आपके सामने है, ये पॉलिसी वाला ही फैसला है, कितना नुकसान और आएगा यहाँ पे? देखिए डिप्पी, जिस तरह ऑयल इंडिया की बात आप पहले करें तो जिस तरह का ब्रेकडाउन हुआ है, देखिए बहुत फियर्स सेलिंग हम देख रहे हैं। अगर आप इसमें वॉल्यूम के लिहाज से भी इसको देखें तो डेरिवेटिव्स में भी और कैश मार्केट में वॉल्यूम बहुत बड़े हैं, और सबसे परेशानी की वजह यह है कि 215 का एक अहम सपोर्ट था इस काउंटर के लिए जो कि अब चला गया है। उसी तरह ONGC ने भी मेजर लेवल्स को ब्रेच किया है, तो मुझे लगता है दोनों ही काउंटर्स में गिरावट और गहराएगी। इसलिए खरीदारी की जल्दबाजी मत करिए, मत सोचिए कि काफी गिर गया है तो इसमें पुल बैक आएगा उसके लिए खरीदें। मुझे लगता है दोनों ही काउंटर्स इन स्तरों से भी आपको 5-10 की गिरावट और दिखा। इनफैक्ट डिप में पढ़ भी रही थी, अभी जो करंट ऑयल सेस लगता है वो 20% के आसपास लगता है इन दोनों कंपनियों पर, यानी मौजूदा जो क्रूड प्राइस है, मौजूदा जो रुपी का लेवल है, उस हिसाब से करीब करीब 1200 करोड़ का सेस इन कंपनियों पर लगता है। वहीं अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी में 1 रुपए की भी कटौती करती है तो सरकार को जो नुकसान होगा वो करीब 1500 करोड़ के आसपास का होगा। अच्छा, तो इसीलिए अगर ये 20% ज्यादा सेस बढ़ता है तो दिक्कत इन कंपनियों की और बढ़ सकती है। मतलब ये 1500 करोड़ रुपए का, 1200 करोड़ रुपए का, 1200 करोड़ का ऑलरेडी सेस लगता है, लेकिन अगर एक्साइज ड्यूटी कट होती है तो ये जो बर्डन है वो और बढ़ सकता है इन कंपनीज पर। इनफैक्ट इस पर और बात भी करेंगे थोड़ी देर में। और संदीप से पूछ लें, संदीप हमारे साथ है, हालांकि संदीप हमको टेक महिंद्रा के और NBCC के नंबर बताने के लिए, लेकिन संदीप एक इमरजेंसी आपकी जरूरत आन पड़ी है, जरा आप मेरे को ये बताएंगे कि ये ONGC ऑयल इंडिया पे ये सेस कैसे कैलकुलेट होता है, और सरकार अगर कोई पॉलिसी वाला फैसला लेती है ये विंडफॉल टैक्स को लेकर कोई बात होती है, इसका कैसे आकलन होगा, ये ONGC ऑयल इंडिया को कैसे कमजोर करेगा? देखिए जो सेस कैलकुलेट होता है वो तो अलग चीज है, जो कि लगता ही है रॉयल्टी और सेस, जो कि दो टैक्स पेमेंट्स है जो कि सरकार लेती है इन कंपनियों से। लेकिन ये जो विंडफॉल टैक्स लगाने की बात की जा रही है ना सेस के रूप में, उसे आप ऐसे देख सकते हैं, दो जो मेन कारण है जिस वजह से ये गिर रहे हैं स्टॉक्स, उसमें आप देखिए, पहली बात तो ये कि $80 के आसपास क्रूड की कीमतें हैं और ये कह रहे हैं कि $70 के ऊपर अगर क्रूड जाएगा तो उसके ऊपर की आपकी जो कमाई है वो हम विंडफॉल टैक्स के तौर पर ले लेंगे, जिसे हम OMCs को देंगे। तो कुल मिला के देखा जाए $80 के आसपास क्रूड खड़ा है और ये कह रहे हैं कि हम आपकी जो कमाई है उसे $70 तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो $10 के आसपास का जो एक मूव क्रूड ने दिखाया था वो पूरा मूव इन कंपनियों को पहले तो डिस्काउंट करना होगा। दूसरी ओर आप देखिए, इसका असर आप ऐसे देख सकते हैं कि फिर से हम एक सब्सिडी रिजीम में लौटते हुए देखेंगे, यानी कि इन कंपनियों को फिर से सब्सिडी का भुगतान करना होगा,
जो कि ओएमसीज को जाता हुआ दिखेगा। तो कुल मिला के देखा जाए जून 2015 से पहले की जो स्थिति थी, फिर हम उसी स्थिति की ओर लौटते हुए दिखेंगे जहां इनके सब्सिडी की वजह से इनके जो मुनाफे हैं उसके ऊपर काफी दबाव देखने को मिलता था। और वैसे भी आप याद रखिए, ये इलेक्शन वाला साल है जिसमें ओएमसीज, ऐसा हो सकता है कि शायद अगर क्रूड की कीमतें बढ़ती हैं तो जो फ्यूल प्राइस हाइक है उसे पास ऑन नहीं कर पाए। तो उस सिचुएशन में इंडस्ट्री ऑलरेडी ये मान के चल रही है कि जो ओएमसी, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, उनको अंडर रिकवरी हो सकती है। आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी संदीप, और इसी खबर पर और डिटेल्स लेकर राजेश सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, आप बताइए, ये विंडफॉल टैक्स पहले आप बताइए किस तरीके से लगेगा, कितना लगेगा और लगा तो कितना बर्डन आ सकता है? देखिए, इसमें ये किया जाएगा, जितनी भी अपस्ट्रीम कंपनियां हैं, चाहे वो ओएनजीसी हो, आरआईएल हो, इनको जब तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है तो इनकी मार्जिन बढ़ जाती है। तो जब 2013-14 में भी तेल के दाम 110-115 डॉलर तक हुआ था तो ये बात चल रही थी कि इन पे लगाई जाए। उस समय आरएस शर्मा होते थे ओएनजीसी के सीएमडी, उन्होंने इसका काफी स्ट्रांगली विरोध किया था। अभी जो प्रपोजल आ रहा है, सरकार बोल रही है कि हम लॉन्ग टर्म प्रपोजल दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रपोजल ये लोग ये कर रहे हैं कि 70 डॉलर से ज्यादा जब भी क्रूड का प्राइस होगा तो ये प्रोविजन लग जाएगा। 70 डॉलर से ज्यादा पे उनकी जो भी कमाई होगी वो उन्हें सेस के रूप में देना होगा वायल मार्केटिंग कंपनी, यानी वो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल को मिलेगा ताकि वो उसको पास ऑन कर सके कंज्यूमर्स को। तो बेसिकली ये कि 70 डॉलर एक थ्रेशोल्ड मार्क होगा, उससे ज्यादा अगर क्रूड के प्राइसेस जाते हैं तो इनका मतलब उनकी कमाई ज्यादा बढ़ रही है अपस्ट्रीम कंपनी, क्योंकि उनकी रिफाइनिंग कॉस्ट फिक्स होती है। अच्छा। वो ज्यादा नहीं लगती, बढ़ती घटती नहीं है। लेकिन राजेश, वो एसी में को समझनी थी, आप कह रहे हैं कि 70 डॉलर का थ्रेशोल्ड है, ये उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को चला जाएगा, तो कंज्यूमर को क्या मिला उस केस में? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑब्वियसली अगर उनको फायदा हो रहा है तो कंज्यूमर्स को रेट वो कम करेंगे। अभी उनको अपने मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं, अगर उनको 1,000 करोड़ या 2,000 करोड़ जो भी एक्स्ट्रा मिलता है तो वो कंज्यूमर को पर लीटर पेट्रोल पे वो पास ऑन हो जाएगा। जो 2013 में ये किया गया था कि वन थर्ड तीनों शेयर करते थे, जो अपस्ट्रीम कंपनियां थी वो तो वन थर्ड सब्सिडी से बहन करती थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी वन थर्ड करती थी, और वन थर्ड जो था वो गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। अभी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि डीरेगुलेट हो गया है 2016 के बाद से, डीजल भी डीरेगुलेट हो गया और 2010 में ही पेट्रोल डीरेगुलेट हो गया था। तो ऐसे केसेस में अब गवर्नमेंट कोई लॉन्ग टर्म प्रपोजल ला रही है, तो एक्साइज ड्यूटी ये लोग कम करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर 1 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं पेट्रोल या डीजल पे तो ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा, और सरकार किसी भी कीमत पर फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मिस नहीं करना चाहती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन उनको नजर आ रहा है कि सेस लगाया जाए अपस्ट्रीम कंपनियां पे, ओएनजीसी, रिलायंस पे, अगर 70 डॉलर से ज्यादा क्रूड के प्राइसेस जाते हैं तो उनकी जो कमाई होगी वो उन्हें ओएमसी को देनी होगी। मतलब अगर मैं एक ट्रेडर हूं और मैं आपकी पूरी बात को समझ रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि सरकार जो नीतिगत फैसला ले रही है, विंडफॉल या फिर सेस कहें जो भी कहें, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए थोड़ा रिलीफ भरा है कि हाँ उनको उनका पैसा आ जाएगा, लेकिन ये ऑयल इंडिया और ओएनजीसी जैसी कंपनीज के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। एक बार जरा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के चार्ट दिखाएं जरा, या फिर ये दिखा सकते हैं उनके प्राइसेस, क्या कुछ रिकवरी आ रही है? क्योंकि इन दोनों का टूटना, सेकंड हाफ में तो रिकवरी बनी थी, अभी रिकवरी आईओसीएस 5% नीचे थे ये स्टॉक, 5% 3%, और देखिए आईओसी तो अगर यही फैसला जो हम विंडफॉल गेन या सेस के तौर पर समझ रहे हैं, राजेश जी हमको बता रहे हैं कि 70 डॉलर का है थ्रेशोल्ड लिमिट, उसके बाद का सारा हिस्सा अब इन कंपनीज को देना होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ताकि वो कंज्यूमर को महंगा तेल ना बेचें, तो इन कंपनीज की तो मुश्किलें हल हो सकती हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो प्रेशर है वो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया से आ जाएगा। इनफैक्ट हम बात कर भी रहे थे कि अभी भी मौजूदा हालात में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पैसा नहीं बना रही है, सिर्फ इतना है कि अगर क्रूड के दाम और बढ़ते हैं तो इनको नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई के लिए अब कीमतें बढ़ाएंगी, वो कीमतें ना बढ़ाएं, इसीलिए शायद ऑल्टरनेटिव में करेक्ट कर दूं। अभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो 24 अप्रैल को प्राइस फिक्स किया गया था, उस समय उनका मार्जिन जो था वो 3.71 रुपए था। 24 अप्रैल से लेके जो इलेक्शन में 6 मई तक दाम जो नहीं बढ़ाया गया 19 दिन, उस समय तक उनको लॉसेस, मतलब लॉसेस नहीं हो रहा था, उनकी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रही थी। प्रॉफिट मार्जिन अल्टीमेटली जब 6 मई को थी उनकी 71 पैसा पर लीटर थी, अभी पिछले 10 दिनों में प्राइसेस करीब 2.84 रुपए बढ़े हैं, तो उनकी प्रॉफिट मार्जिन 3 रुपए से ऊपर है ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अभी भी पर लीटर, प्रॉफिट मार्जिन उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं जरा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के चार्ट पता करवा लेते हैं, ये तो पहले से 10-10% टूटे हैं, खतरा भी हो सकता है। कुणाल जी ने ऑलरेडी राय दे दी है कि जल्दबाजी नहीं दिखानी, 180 वाला ओएनजीसी 156 रुपए में मिल रहा है, मेरे को अच्छी तरह से पता है कि ट्रेडर्स के मन में क्या चल रहा होगा, 180 वाला ओएनजीसी 156 $80 है, क्रूड तो कहीं जाने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, मौके का फायदा उठा लीजिए, प्लीज रुक जाइएगा, अभी टेक्निकल चार्ट में ऐसा कोई साइन नहीं है। हाँ, पॉलिसी वाली खबर है, डैमेज बहुत ज्यादा भी कर सकती है। सिमी, एक बार आप जरा एचपीसीएल और आईओसी जरा दोनों के जरा चार्ट देखेंगे आप, इसमें कहीं पुलबैक के साइन दिख रहे हैं आपको?
डिम्पी जो पुलबैक का साइन दिख रही है उसमें उतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि इसमें यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग आ जाए। जो पुलबैक का साइन दिख रहा है वो इंट्राडे का है, हो सकता है ये रैली कल तक सस्टेन करेगा, पर ओवरऑल वीक है और लास्ट वीक से पहले भी ये सब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक बार टर्न अराउंड दिखाया था पर फेलियर ब्रेकआउट था। एक बार एचपीसीएल भी 400 के ऊपर मेंटेन करने का कोशिश किया था, दो तीन ट्रेडिंग सेशन वहाँ पे सस्टेन भी किया था पर अल्टीमेटली सरेंडर कर दिया था। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना पड़ेगा, एक बेस बनाने दीजिए। ये बेस नहीं बन रहा है, ये एकदम स्टीप फॉल ही हो रहा है। आज का रैली में उतना मायने नहीं रखता है, आज या कल एक्सपायर हो सकता है, ये रैली खत्म हो सकता है इनफैक्ट। चलिए ठीक है, अलर्ट रहिए आप इन शेयरों पर। ONGC ऑल इंडिया दिन के निचले स्तरों पर है, रिकवरी बनी है HPCL BPCL IOC में, बट कॉशियस रहिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और बातचीत करते हैं, नतीजों के हिसाब से कल का दिन अहम रहेगा। अंचल मौजूद भी हैं कैडिला और सन फार्मा के नंबर्स लेकर, दोनों स्टॉक्स मजबूत है वैसे तो आज। अंचल क्या नंबर्स अच्छे आने वाले हैं? सन फार्मा के अच्छे नंबर होंगे कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ एक नया एक्सेप्शन आ जाता है इसके इनके नंबर्स में। इस बार ये वैसा ही कुछ है, रेवेन्यू करीब 3% गिरने का अनुमान है और मुनाफे में 35% का डिप दिख सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग आधार पे नंबर सुधर रहे हैं। अगर आप कंपनी का एबिटा देखिए 13% बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है और मार्जिन भी करीब करीब 3% इम्प्रूव होंगे। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है, पहले तो नंबर्स पे लो बेस का CAC इम्पैक्ट दिखेगा, जो इनका हलोल प्लांट बंद होने के बाद से इनकी सेल्स हिट हुई थी US में वो अभी भी जारी है, वहाँ पे आज सच कोई रिस्पाइट नहीं मिला है। लेकिन दूसरी और अदर इनकम का जो हेड है वहाँ पे करीब करीब 80% की गिरावट आ सकती है इस क्वार्टर में और यही कारण है कि मुनाफा जो है उसमें 35% का डिप आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अदर इनकम का हेड अगर एडजस्ट करके देखेंगे तो आपको मुनाफे प्रेशर दिख सकेगा, बट मार्जिन पे फोकस करिएगा। अगर मार्जिन 21% ज़्यादा आते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे आंकड़े के अच्छा नंबर है और वहाँ से एक रिकवरी की बात हो सकती है। दूसरी कैडिला की बात करें, स्ट्रॉन्ग नंबर रह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रह सकता है, करीब 27% आए और वहीं 30% के करीब मुनाफा बढ़ने का अनुमान है। यहाँ पे भी ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे बढ़ते हुए दिखेंगे, ऑलमोस्ट 70% कंपनी का एबिटा बढ़ने की उम्मीद है और जो मार्जिन है वो 6% तक इम्प्रूव हो सकते हैं। दो चीज़ें प्ले करेंगी इस बार नंबर्स पे, हाल में US में लॉन्च की गई जो इनकी जेनरिक दवा है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, बिकॉज उम्मीद है अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन रेवेन्यूज में आता हुआ दिखेगा। कंपनी ने अपनी कॉस्ट को कटेल किया है वो कहीं ना कहीं मार्जिन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हाँ अभी तक FY18 में कंपनी ने रिलेटिवली बहुत कम टैक्स पे किया, तो इस बार खतरा ये है कि एक साथ हेवियर टैक्स पेमेंट आ सकती है जो मुनाफे के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालती है दिखेगी। ठीक है, ये दोनों नंबर्स आपके सामने हैं, कैडिला सनफार्मा, थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर आपको सनफार्मा मिलेगा इसलिए नंबर्स को अच्छी तरह से रखिएगा ध्यान। इसमें ज़ायडस वेलनेस के नंबर आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा घटा है शायद इनका, नहीं मुनाफा यस घटकर आया है, 82 करोड़ से घटकर करीब 70 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है। ज़ायडस वेलनेस अब थोड़ा सा कमजोर होते हुए, इसके एक बार आय का फिगर भी आ जाए, मार्जिन भी आ जाए तो एक बार देखेंगे। खैर ये कंपनी इनके मार्जिन पे ज़्यादा असर नहीं होगा, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी से ही ज़्यादा असर पड़ता है जो कि कमजोरी आई है फिलहाल। तो ज़ायडस वेलनेस 1255। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेड देखते हैं मार्केट के अंदर जहाँ पे आज तेजी देखने को मिल रही है, या फिर TCS शायद आज राकेश जी आपकी लिस्ट में था सुबह मैंने IPL में भी आप दे रहे थे, IPL में भी दिया था और मैंने सुबह मॉर्निंग में दीपाली के साथ इसको 35-34 के अराउंड रिकमेंड किया था विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 35। टारगेट क्या था उस समय आपका? 3600 प्लस के लेवल से, 3600 तो सर आई गया और इंट्राडे बोल के दिया था मैंने, हाँ तो मुनाफा बांधना चाहिए इंट्राडे के नजर से करा तो एक बार आप मुनाफा इसमें बांध लीजिए TCS के अंदर। अच्छा अगर मैं इसके फ्यूचर में प्रॉफिट बुक करके 12 जो कोई ऑप्शन आप दे दोगे मेरे को या मैं कैश में शेयर ले लूं तो पूरा लॉट नहीं रखता तो डिम्पी जी ये स्टॉक क्लियरली ना इंट्राडे के नजरिए से दिया था और अच्छा। रोज देते हैं तो आप बुक कीजिए कल दूसरा लीजिए। ओके ठीक, लेकिन TCS की बात हो रही है तो टेक महिंद्रा नतीजे आएंगे कल और नंबर्स कैसे रहेंगे संदीप से समझ लेते हैं। टेक महिंद्रा NBCC बताइए संदीप। टेक महिंद्रा के नंबर्स ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, इनकी जो रुपी रेवेन्यूज और डॉलर रेवेन्यूज उसमें करीब 2% के आसपास की बढ़त आएगी, ऑपरेशन आधार पे नंबर और भी अच्छे नजर आएंगे, 6% के आसपास की बढ़त इनके एबिट में आएगी क्योंकि रुपया कमजोर हुआ तो उससे जो क्रॉस करेंसी का इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव साइड पर इस बार देखने को मिलेगा जिससे मार्जिन को थोड़ा सहारा देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में ध्यान रखें इनका जो टेलीकॉम बिजनेस है वो थोड़ा सा वीक होता दिखेगा, वहां पर आय गिरेगी तो उसका जो असर है वो मार्जिन पर भी देखने को मिलेगा। नेट नेट हमारा अनुमान है कि जो मार्जिन है वो केवल आधे फीसदी के आसपास ही बढ़ते हुए दिखेंगे
होंगे और ये कारण है कि फिर मुनाफा भी महज 2.25% के आसपास की बढ़त दिखाएगा, 965 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आएंगे। थोड़ा इनका टैक्स का भुगतान भी बढ़ रहा है, उससे भी हो सकता है कि इनके जो मुनाफे की ग्रोथ है वो शायद ज्यादा ना देखने को मिले। एनबीसीसी की जहां तक बात है तो इस बार हो सकता है नंबर्स में कमजोरी देखने को मिले, खासतौर पर मुनाफे के फ्रंट पे इस बार 14% के आसपास की कमजोरी आ सकती है। एक तो इनकी जो ऑर्डर डिलीवरी है उसमें कमी के चलते आय महज 6% के आसपास ही बढ़ती हुई दिखेगी। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, इसमें आप सीमेंट की बात कीजिए, स्टील की बात कीजिए, दोनों की कीमतें बढ़ने से इनका जो ऑपरेशनल आधार पे नंबर्स हैं वीक आएंगे। 15% अबिड्डा गिरेगा और मार्जिन में भी 2% से ज्यादा की गिरावट आ सकती है और 7% के नीचे के मार्जिन देखने को मिलेंगे। नेट नेट इनका जो मुनाफा है वो करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्जिन गिरते हुए दिखेंगे और आय भी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो टाटा टेक महिंद्रा ठीक ठाक नंबर्स होंगे, एनबीसीसी के नंबर्स में हो सकता है मार्जिन पे प्रेशर आए, उससे मुनाफा भी गिरता हुआ दिखे। ठीक है, एनबीसीसी के नंबर्स में थोड़ा प्रेशर आ सकता है, इनके मार्जिन इसको मुश्किल में लेके आ सकते हैं। वैसे भी शेयर 200 के नीचे आती ना, थोड़ा 100 के नीचे माफ कीजिए, क्योंकि स्प्लिट वगैरह भी हो चुका है, तो 100 के नीचे आती वैसे भी थोड़ा कमजोर ही समझा जाएगा इस समय के लिए। एक बार शर्मिला शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते, अभी उनसे बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक बार कुणाल जी आप देखेंगे एनबीसीसी के अंदर क्या किया जाए, अभी ये 1.5% ऊपर है, नंबर्स उतने अच्छे आ नहीं रहे हैं। देखिए जो स्ट्रक्चर है डिपी, एक बड़ा सपोर्ट है इसमें, 91 रुपए के आसपास इस काउंटर के लिए एक बड़ा सपोर्ट है, जहां से आप देखिए कि मार्च के महीने में भी 91 के लेवल से ही इसमें एक बड़ा बाउंस आया था, फिर ये 110 तक चला गया था। मुझे लगता है कि देखिए वो लेवल फिर से एक्टिवेट हो गया है और 91 जो है वो इसके लिए बड़ा थ्रेशोल्ड लेवल है, उसके नीचे निकला तभी कमजोरी है। हो सकता है क्योंकि देखिए अपेक्षाएं ऑलरेडी हैं कि नतीजे थोड़े ठीक नहीं रहेंगे, तो उसके बावजूद आपको इसमें एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय में 91 का एक स्टॉप लॉस लेकर के, अगर जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करें, कोई ट्रेडिंग करना चाहे तो 91 का एक स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है कि एक बार के लिए 97 के लेवल्स भी आ सकते हैं। ये ओवरनाइट पोजीशंस भी लेके जा सकते हैं जी, अगर थोड़ा सा 91 का आप स्टॉप लॉस रखने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप ओवरनाइट लेके जाना चाहें तो ले जाइए एनबीसीसी को, लेकिन 91 का एक स्टॉप लॉस है, बस यही आपको ध्यान रखना है। ये इंट्राडे के लिए बन गया, या अगर आप कल के लिए भी लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं 91 का स्टॉप लॉस। और टारगेट तो खैर कंफर्ट जोन होता है, लेवल्स आपको भले ही कुणाल जी बता दें लेकिन वो कई बार कंफर्ट पे भी आ जाता है, तो इस पर आप ध्यान रखें। मार्केट में तेज उतार चढ़ाव दीपाली इस समय देखें, अभी आप थोड़ी देर पहले 510 तक 515 तक हम हुआ थे, लेकिन बाजार एकदम से कमजोर हुआ वापस 560 तक आ गए, ये रेंज में ही है अभी मार्केट। जब तक 500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा आपको एक कन्विक्शन नहीं लेने देगा कि मैं अब पुल बैक और स्ट्रांग पुल बैक दूंगा, या फिर शेयर्स में भी वैसा ही हो रहा है, जहां पे कमजोरी दिखी थोड़ी सी भी कमजोरी दिखी वो शेयर टूटते हुए दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल, लेकिन कमोडिटीज का एक्शन क्या है वो भी जान लेते हैं। और मृत्युंजय है, मृत्युंजय बताइए कमोडिटीज में क्या हो रहा है। दीपाली, कमोडिटीज बाजार में आज के लिए रौनक है और गोल्ड और सिल्वर की कीमतों की चमक बढ़ गई है, कल भी तेजी थी आज भी बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, करीब 100 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड और चांदी में 250 रुपये से ज़्यादा की मजबूती है। ये तेज़ी इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मजबूत संकेत मिल रहे हैं और संकेत ये हैं कि फेड की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाने में कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे दरें बढ़ेंगी और ऐसे में जो सुरक्षित निवेश मांग है गोल्ड की वहाँ पर एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल सकता है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। हमारे साथ मनोज कुमार जैन हैं इस पर और अपडेट के लिए, इंडिया निवेश के डायरेक्टर। मनोज जी स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इस तेजी पर गोल्ड में आज के लिए किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया तो उस लिहाज से जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं $1,300 के काफी करीब है और हमारा मानना है कि फिर से एक बार 1300 से 1305 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से तेजी की रणनीति करना चाहिए। एमसीएक्स पर एक बार 31,450 तक के स्तर यहाँ पे जो है इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे में 31,450 यानी यहाँ से करीब करीब आपको 150 रुपए की तेजी इंट्राडे में गोल्ड की कीमतों में देखने को मिल सकती है। चांदी पर भी आपकी खरीदारी की ही सलाह होगी? बिल्कुल, चांदी में भी हमने देखा है कि 40,500 के स्तर के ऊपर जो है अब चांदी सस्टेन कर रही है, तो उस लिहाज से यहाँ पे भी जो है इंट्राडे में 40,800 40,900 तक के स्तर लगभग 300 से 400 रुपए की तेजी यहाँ पे भी जो है बन सकती है। चलिए बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे मनोज, क्रूड में आज दबाव है, कल भी बाजार दबाव में था, क्या और 4900 के नीचे आ चुका है अभी एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव, और गिरावट देख रहे हैं आप क्रूड में? बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पे हमने देखा है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था ब्रेंट का $80 का, वहां से जो है मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। दूसरा, जिस तरह से कल यूएस की जो इन्वेंट्री आई थी वो भी बढ़त पे आई थी, तो 4,850 तक के लक्ष्य यहाँ भी देखे। ठीक है, तो यहाँ से करीब करीब 45 रुपए की गिरावट एमसीएक्स पर कच्चे तेल में भी दिख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका
मनोज कुमार जैन जी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि दोपहर के कारोबार में कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके हो सकते हैं। डिम्पी, तो कच्चे तेल के मोर्चे पर थोड़ी सी राहत की खबर है आपके लिए, क्योंकि क्रूड के दाम अब कम होने लगे हैं। सर कोई राहत नहीं है हमारे लिए, तो हमारे लिए तो मुश्किल ये हो रहा है कि ONGC ने ऐसा गोता लगाया कि बाजार को ऐसा ड्रैग करके ले गया। निफ्टी का शेयर है अभी 8% टूटेगा तो इंडेक्स ना टूटे ऐसा नहीं हो सकता। ऑयल इंडिया, ONGC, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे शेयर आज नीचे 70 के नीचे ले आए मृत्युंजय, तो राहत की बात हो, तब होगी राहत की बात। अभी एक डॉलर भी नहीं हिल रहा, 79 पे तो कल था, अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक दिखा रहे 79 80 के नीचे रोक के रखा हुआ है मार्केट में। तो भले ही वो 450 से 500 वाली ब्रैकेट अभी भी बरकरार है कुछ खबरों के दम पर, कच्चे तेल के दम पर आज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन नंबर्स का भी पूरा एक्शन है। सुमित हमको ये बताने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन दोनों के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। सुमित बताएं, पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही बताइए। देखिए डीपी, सबसे पहले अगर मुनाफे की बात करें तो 6.5% के आसपास की बढ़त का अनुमान है सालाना आधार पर। तिमाही आधार पर जो प्रोविजनिंग है वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ सकती है, करीब करीब रफली 22% के आसपास प्रोविजनिंग बढ़ने का अनुमान है सालाना आधार पर। तिमाही आधार पर करीब 7% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है प्रोविजनिंग फ्रंट पर। NPA फ्रंट पर थोड़ी सी NPA बढ़कर आएंगे, करीब करीब 12% ग्रॉस NPA बढ़ सकते हैं, रह सकते हैं 11.3% जब बढ़कर। इन टोटल नंबर्स थोड़े से वीक का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठा है सभी सरकारी कंपनियों के नंबर्स को, तो ये कहना मुश्किल है शेयर किस तरह रिएक्ट करेगा। दूसरा PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नंबर्स आने हैं, और यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें तो बेस में काफ़ी बड़ा डाइवर्जेंस है, क्योंकि पिछली बार भी एक बड़ी प्रोविजनिंग कंपनी ने की थी, लेकिन इस बार ही जो अनुमान है मुनाफा घाटे से मुनाफे में ही, करीब करीब 3400 करोड़ के घाटे से 1900 करोड़ रुपये का मुनाफा आने का अनुमान है। प्रोविजनिंग फ्रंट पे 4400 करोड़ की प्रोविजनिंग से घटकर सीधे सीधे 200 करोड़ रुपये की प्रोविजनिंग रह जाएगी, तो ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर कोई भी डाइवर्जेंस आता है तो ये नंबर्स को जरूर वेरिएट कर देगा, और आय 72% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2700 करोड़ रुपये इस तिमाही के अंदर आय रहने का अनुमान है, लेकिन क्लियर कट इस तिमाही के नंबर्स में सिर्फ प्रोविजनिंग के आंकड़ों पर नजर रखें, अगर वो 200 करोड़ से ज्यादा आती है तो मुनाफे पर असर करेगी, और मुनाफा अनुमान से कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसलिए प्रोविजनिंग का आंकड़ा अगर बढ़कर आता है तो शायद नंबर्स खराब कर देगा। और इनफैक्ट शायद ये स्टॉक इसीलिए चल भी रहा है, प्रोविजनिंग 4500 करोड़ से घटकर 200 करोड़ आ सकती है ये अनुमान है, मुनाफा 72% बढ़ सकता है। और आप देखिए स्टॉक आज 52 हफ्तों के निचले स्तरों से अच्छा रिवर्सल इसने दिखाया है, दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। कुणाल राय दीजिए अपनी PFC, और इनफैक्ट PFC के साथ साथ REC पर भी दे दीजिए, वो स्टॉक में भी मोमेंटम है। देखिए चार्ट तो काफ़ी खस्ता हाल है दीपाली, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी देखिए क्या है, इन स्तरों पर कुछ बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी वजह यह है कि पिछले कई सत्रों में हम इसमें अच्छा वॉल्यूम एडिशन देख रहे हैं, तो भारी गिरावट आ जाने के बाद अगर कोई काउंटर बड़ा वॉल्यूम दिखाता है तो आमतौर पर वहाँ बेस बनने की संभावना होती है। तो PFC में मुझे उम्मीद है कि इन स्तरों पर शायद बेस बन रहा हो, एक पुलबैक भी अच्छा आएगा इसमें क्योंकि गिरावट काफ़ी आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि 72 के स्टॉप लॉस से खरीदें तो 80 तक का टारगेट बन सकता है इसमें। इन दोनों शेयर्स पर ना आपको दीपाली याद होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जब फाइनेंसिंग की थी तो इनके कई ऐसे प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग हो गई थी जब ये मुश्किल में आ गए थे, बाद में एक स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट बनाई गई थी पार्लियामेंट के अंदर, तब ये कहा गया था कि इनके जो लोन है वो थोड़े से डाउटफुल हो रहे हैं, तब इन्होंने प्रोविजनिंग हैवी की थी, तब मैनेजमेंट ने क्लियर किया था कि अब हम लोन बांटेंगे नहीं, बकायदा इनको सरकार ने मना कर दिया था कि आप लोन दोगे ही नहीं, जहां पर भी आपको दिक्कत लग रही है वहां पर आप देंगे नहीं, महीने पहली बात, 6-7 महीने पुरानी बात है, तब से इनको अपनी प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी थी, उसके बाद से कभी सुधरे नहीं। PFC REC जैसे कुणाल भी कह रहे हैं कि चार्ट खराब है, इसलिए तब से खराब हुए थे, और अब क्या होगा कि प्रोविजनिंग का स्ट्रॉन्ग प्रोविजनिंग का बेस है, थोड़ी सी भी राहत आ गई तो शेयर चल सकता है। वही सुमित बता भी रहे थे, 4500 करोड़ की प्रोविजनिंग के मुकाबले 200 करोड़ की प्रोविजनिंग, 200 करोड़ से ज्यादा भी थोड़ी भी ज्यादा आई प्रोविजनिंग तो फिर ये मूड फिर से बिगाड़ सकती है, फिर से बिगाड़, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये हैवी प्रोविजनिंग है, बस हैवी लॉस नहीं आए प्रोविजनिंग में, थोड़ी भी राहत, अब आप देखो ना हजारों की प्रोविजनिंग 100 में आके रुक गई है, 95% की प्रोविजनिंग कम हो जाएगी, अब करना ही नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी आप कर चुके हो, आपको पता है मेरे सारे सेट जो डूबने वाले मैं तो पहले बता चुका हूं, अब मैं क्या बताऊंगा, सिर्फ 200 करोड़ का बताऊंगा, हो सकता है छोटी मोटी संस्था को भी दिया हो ये लोन। खुलते ही इस स्टॉक ने थोड़ी वीकनेस के इंडिकेशन दिए थे, और अभी दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 5.5% के स्तर पर। हालांकि आज कुछ रिपोर्ट्स आई थी ब्रोकर हाउसेस की, उनके लंबी अवधि का व्यू होता है, लंबी अवधि के लिए तो आई एम श्योर IGL में कोई खराबी नहीं है, बट स्टॉक अगर आप देखेंगे तो दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करें, 11% की वॉल्यूम ग्रोथ इसने पोस्ट भी की थी। शर्मिला जोशी भी हमारे साथ मौजूद है। शर्मिला, IGL, MGL इन स्टॉक्स ने, IGL तो इनफैक्ट आज ही करेक्शन दिखा रहा है, MGL में भी हमने नतीजों के बाद काफी करेक्शन देखी है, क्या ये खरीदारी का मौका है ये ध्यान में रखते हुए कि पेट्रोल डीजल के मुकाबले CNG की जो कीमतें वो अभी भी 40-45% डिस्काउंट पर हैं, उसका शायद फायदा मिले इन कंपनियों को।
बिल्कुल, और आई थिंक जहां तक आईजीएल की बात है काफी अच्छा लगता है ये स्टॉक, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि एक तो गैस की कीमतें कम होने की वजह से हम देख रहे हैं कि काफी जो लोग नई गाड़ी लेते हैं खास करके वो सीएनजी किट जरूर बिठा लेते हैं, और उसके साथ साथ आई थिंक जिस तरह से उन्होंने अपने जो आउटलेट्स है वो भी काफी बढ़ाए हैं, तो आई थिंक यू नो बोथ इन टर्म्स ऑफ कि क्या स्कोप है बिजनेस एक्सपैंड करने का, और जिस तरह का क्रूड का प्राइस है तो लोग जरूर इस तरह के फ्यूल की तरफ ज्यादा देखेंगे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक अगर आप लंबी निवेश का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आई थिंक आईजीएल काफी अच्छे लेवल्स पे अभी मिल रहा है। वैसे बताने की अब 2:30 बज चुके हैं तो BTSTD के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, कभी भी हमारे मेहमान आपको बता सकते हैं कि कौन सा आप समय सौदा बन रहा है, मार्केट अच्छा है, आपको बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, 472 500 भी है 450 भी है, इस 20 पॉइंट में भले इंडेक्स रेंज में रहे लेकिन आपको सौदे मिलते जाएंगे। कुणाल जी सौदा बता दो, देखिए मुझे लगता है डिम्पी जी बहुत ही अच्छा मौका आ रहा है सेल करने का TVS मोटर्स, चार्ट बेहद कमजोर हुआ है, ब्रेकडाउन आज के सत्र में आता हुआ दिख रहा है, हालांकि देखिए पिछले कुछ मिनटों में फिसला है लेकिन मुझे लगता है कि और नीचे के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे। मेरा पहला टारगेट इसमें 541 का है और ये आज ही आना चाहिए, 541 टूटा तो फिर मुझे इसमें 535 तक जाने की संभावना लगती है जो कल तक आना चाहिए। ये फ्यूचर के लेवल, ये दोनों फ्यूचर के लेवल 541 आपका पहला टारगेट, 541 अभी चल रहा है 545.60 जी, और 535 दूसरा, 535 हो गया दूसरा, तो ठीक है धीरे धीरे टूटना तो शुरू हो रहा है, ये खैर स्पॉट के लेवल है, डिस्काउंट प्रीमियम वैसे ज्यादा है नहीं, सिर्फ 50 पैसे 1 रुपए तक का ही है, तो अब मान के चले पहले टारगेट तो शायद अचीव एक बार, इनफैक्ट ये तो स्पॉट लेवल है, स्पॉट में तो 540 है, गुंजाइश है, अभी तो एक बार नीचे आएगा थोड़ा और एक बार वापस देखे, लेकिन हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि चार्ट में एवरेजेस भी टूटी है और आज के दिन में टूटी है, अगर कुणाल जी मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1:30 के बाद कमजोर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल 1:30 के बाद बिल्कुल कमजोर होता हुआ दिख रहा है शेयर, ऑलमोस्ट डे लो पे भी आ चुका है, आप एक बार इसका इंट्राडे चार्ट भी दिखाइए आपको वो भी क्लियर होगा, ये डे लो पे आया है और 1:30 के बाद एकदम से इसके अंदर सेलिंग का प्रेशर बना जो कि शेयर को नीचे लेके आया। राकेश जी आपकी तरफ से 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट, अच्छा दो कोई बात नहीं, 2 मिनट लीजिए आप, 4 मिनट लीजिए, पक्का सौदा होगा। उससे ठीक पहले एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स को देख लेते हैं, नतीजे अभी आने बाकी हैं और नंबर्स से पहले इस स्टॉक में दबाव बना है, अब 64 रुपए नीचे 2% नीचे लुढ़क चुका है, नतीजों से पहले 2-3 दिन तो काफी एक्शन में रही है और यूनाइटेड ब्रिवरीज दोनों, हाँ, लेकिन आप इन दोनों शेयरों में देखेंगे दीपाली दोनों में आपको फर्क दिखेगा, एक बार यूनाइटेड ब्रिवरीज भी साथ में दिखाइए वो ज्यादा नहीं टूटेगा, यूनाइटेड स्पिरिट्स टूटेगा, असल में प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि जो यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो मार्जिन है एक तो वो कम आ रहा है पहली बात, जो इसके बाद नंबर्स में आ रहा है, दूसरा जो सेल्स थी जो हाईवे बैन जो हुआ था उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम इनके अकाउंट में आएगी यूनाइटेड स्पिरिट्स में, लेकिन ब्रिवरीज के केस में ऐसा नहीं है, उनके पास एक तो कॉस्टिंग का अच्छा उनको मार्जिन मिल रहा है, इसलिए यूनाइटेड ब्रिवरीज शायद इस नंबर की बदौलत नहीं टूटेगा, इनके पास एक कमजोर बेस है लेकिन इस बार की जो अर्निंग्स है वो काफी स्ट्रांग आने वाली है, एक्सपेक्टेशंस तो यही है, एक ही सेगमेंट की दो अलग अलग कंपनियां लेकिन एक डे लो पे और एक डे हाई की तरफ बढ़ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सुमित ने हमको दोनों रिसर्च करके बताई थी, अगर मेरे साथ वापस सुमित कनेक्ट हो पाए एक बार हमको वापस सुमित बता दें एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स और ब्रिवरीज का पूरा आंकड़ा तो बहुत बेहतर होगा। इस बीच में शर्मिला से एक और राय लेता हूं, सुमित को वापस कनेक्ट करके जरा UBL और USL दोनों के क्यों ऐसा हो रहा है कि एक हरे निशान में है और एक लाल निशान में और दोनों के नंबर्स आने हैं, जरा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन शर्मिला जी आपकी एक बार राय, आप ये ऐसा ये डायवर्जन क्यों देख रहे हैं, कुछ अलग से दिख रहा आपको? आई थिंक यू नो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, एक तो जिस तरह से आपने कहा वो एक वजह जरूर हो सकती है कि वो जो नंबर्स में डिफरेंस आएगा, लेकिन आई थिंक एक उम्मीद भी है यूनाइटेड ब्रूरी से कि इसके लिए कोई बायर आ सकता है, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि यू नो वो पूरा मामला चल ही रहा है विद द लेवरेज एक्सेट्रा, तो कभी ये हो सकता है कि यूनाइटेड ब्रूरीज भी बेचने की यू नो बेचना पड़े, और उसमें भी कंसोलिडेशन यू नो इन द बियर सेक्टर ऑल्सो यू कुड सी दैट कंसोलिडेशन और कोई बड़ा नाम आ सकता है यूनाइटेड ब्रूरीज में, तो हम देखते हैं कि ऐसे यू नो ऐसे पैचेज आते हैं जब इस तरह की बातें फिर से चलती है और स्टॉक में फैंसी आती है, लेकिन आई थिंक जहां तक डीमोनेटाइजेशन और GST का सवाल है, काफी हद तक हम देख रहे थे कि वो इट्स सॉर्ट ऑफ बीन फैक्टर्ड इन द नंबर्स, और जिस तरह से सेल्स वगैरह भी है वो भी यू नो धीरे धीरे देर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रिटर्निंग टू नॉर्मलसी, सो यानी ग्रोथ की बात आई थिंक ये देखना अभी ये क्वार्टर और उसके क्वार्टर से आगे चलकर देखना जरूरी होगा कि क्या ग्रोथ आती है, बिकॉज सो फार वी वर जस्ट रिटर्निंग टू व्हाट अर्लियर लेवल्स वर,
सो आई थिंक अगर जैसे कि आपने कहा कि अगर और भी इस पर कुछ यू नो इफ यू कैन गेट मोर क्लैरिफिकेशन इज गुड, बट आई थिंक फॉर यूनाइटेड ब्रूरीज ये भी एक हमेशा फैक्टर रहता है. ठीक है, इनफैक्ट सुमित हमारे साथ मौजूद भी हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज इन दोनों के नंबर्स में क्या डिफरेंस है, कैसे नतीजे आ सकते हैं. सुमित बताइए एग्जैक्टली, क्योंकि एक स्टॉक तो बढ़ा हुआ है, एक एकदम तेजी से नीचे आया है. देखिए दीपाली, यूनाइटेड स्पिरिट्स के केस में लिकर बैन का एक इम्पैक्ट है. पिछले साल जो लिकर बैन था उसकी वजह से इनका एक बेस लो है. 100 करोड़ का घाटा है, लेकिन इस पर एक एडजस्टमेंट भी है. 230 करोड़ रुपए के आसपास के उन्होंने एक एडजस्टमेंट किया था, जो कि यूनाइटेड ब्रिवरीज के लिए डीआईजीओ ने पे किया था, जिसकी वजह से भी इनका बेस लो है. अगर आप इसको एडजस्ट करके देखेंगे तो मुनाफा 180 करोड़ से गिरकर 150 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, एडजस्टेड मुनाफा जो है. लेकिन यहाँ पर दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं. पहला, मोलेसिस की कीमतें गिरी हैं इसलिए इनके मार्जिन इंप्रूव होकर आएंगे वो, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर इनको हेल्प करेंगे. लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे ऑपरेशनल फ्रंट से तो इनको टैक्स आउटगो ज़्यादा देना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी थी. और दूसरा, इनके पास क्योंकि कैश पे ऑफ इतना नहीं बचा है, कैश रिजर्व इतने नहीं है, तो इनको इंटरेस्ट इनकम जो आनी थी वो भी काफी कम आएगी. तो वो बॉटम लाइन में पूरी तरह से वो बेनिफिट नहीं आ पाएगा, जो बेनिफिट इनपुट कॉस्ट से घटने का आएगा. अब बाजार में रिएक्शन नंबर्स से पहले का है, कि यानी वीक नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है, फिर कोई भी आंकड़ा अगर 150 करोड़ से नीचे का आता है तो बाजार उसको नेगेटिवली ले लेगा. और दूसरी चीज, जो बेस्ट चीजें कर सकते थे, यानी स्प्लिट जैसी जो चीज है इन्होंने पहले ही दे दी है पिछली तिमाही के अंदर, उसकी 2 जून के आसपास रिकॉर्ड डेट है, 4 जून या 2 जून के आसपास रिकॉर्ड डेट है, तो शायद बाजार उसको भी डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा. ऑलरेडी वो चीज पहले डिस्काउंट की जा चुकी है मार्केट में, तो शायद यूनाइटेड स्पिरिट्स में इसलिए गिरावट है. ब्रिवरीज केस में लो बेस का एक सीधा सीधा बेनिफिट है. यूनाइटेड ब्रिवरीज का जो रिजल्ट है उसमें 7 करोड़ से मुनाफा सीधे 75 करोड़ रुपए बढ़ रहा है, देखिए 11 गुना मुनाफा बढ़ने का अनुमान है. उसकी वजह यहां पर भी जो लिकर बैन का उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट इन्हीं के ऊपर ही आया था, इसलिए भी इनका बेस काफी छोटा है. और दूसरा, इनके केस में भी मोलेसिस की कीमतें गिरी हैं तो उसका एक बेनिफिट है और इनको बेनिफिट मिलेगा. इनके में कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि ये पास ऑन नहीं कर पाएंगे या फिर वो बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए इनके नंबर थोड़े बेटर आने का अनुमान है. स्पिरिट्स केस में एडजस्टेड मुनाफा थोड़ा टूट सकता है. ठीक है, ये तो हो गया पूरा एनालिसिस, इसलिए कोई एनालिसिस छूटेगा नहीं. मुनाफे की जानकारी का कोई एक्शन आपसे छूटने नहीं वाला, उसकी पूरी गारंटी आपके सामने है. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अभी हम बता के गए थे सुमित हमको, डे हाई पे आ चुका है. आरईसी डे हाई पे, इंट्राडे चार्ट दिखाएं आप उनके, आपको क्लियर कट दिखेगा. ये ऑलमोस्ट दोनों शेयर्स अपने डे हाई पे 4.5% तक की मजबूती इन दोनों में आई है. सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनिंग नंबर्स हर कोई देखता है, प्रॉफिट देखेगा, सेल्स के आंकड़े देखेगा, साथ ही और कुछ देखेगा, लेकिन उसके अंदर क्रक्स क्या है ये सिर्फ आपको यही ZBusiness के रिसर्च से पता लगेगा. पावर फाइनेंस और आरईसी. इस बीच राकेश आपके पास कोई ट्रेड आ रहा है? हाँ दीपाली, मेरा एक बाय कॉल है, खरीदारी की राय दूंगा टेक महिंद्रा पर, जो कि 711 के अराउंड ट्रेड कर रहा है. एक छोटा सा स्टॉप लॉस 703.50 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाए. पहला लक्ष्य है 720, दूसरा लक्ष्य है 725. उससे पहले दो स्टॉक्स पर तो हमारे व्यूअर्स को स्ट्रेटजी मिल गई है, PFC और टेक महिंद्रा, दोनों ही नंबर से पहले अच्छी स्ट्रेंथ दिखा भी रहे हैं, तो नजर रहेगी इन स्टॉक्स पर भी. लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखे तो एक बार NCC को देख लेते हैं, क्योंकि नतीजे अच्छे आए, नतीजों से पहले ये स्टॉक बढ़त बनाए हुए था. आज हम जब IPL खेल रहे थे ना, तब उसमें हमने NCC के बारे में बात की थी. सुमित थी हमारे साथ आज कॉम्पिटिटर में, और हमारे जो आउटसाइड खिलाड़ी थे उन्होंने राकेश, और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कुणाल जी हमारे ओपोनेंट थे आज, लेकिन उन्होंने भी ये बात कही, ये इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. आप उल्टी टीम में हो, आप हमारे खिलाफ खेल रहे हो, लेकिन जो चीज अच्छी है उसके बारे में तारीफ. कुणाल जी का आपने जिक्र किया है, जब कुणाल जी 1 बजे के शो में मेरे साथ थे, रिजल्ट्स आए, तुरंत रिजल्ट्स आते ही 109 पे ट्रेड कर रहा था. कुणाल जी का व्यू लेने का, इन्हीं लेवल्स पे खरीद लीजिए, 112 पहला टारगेट है, ये क्रॉस होगा तो 120 भी जा सकता है. देखिए उनका पहला टारगेट अचीव हो गया, बिल्कुल तो अच्छा पैसा बना होगा, अगर इन्होंने इनकी राय मान के किसी ने उस वक्त पोजीशन बनाई होगी. तो जिस समय नंबर आया तो मेरे को याद है 108 रुपए था, मैं उस समय न्यूज रूम में था, तो हमने अलर्ट 109 पे आ चुका था जब मैंने कुणाल जी से पूछा. वेरी नाइस, 8000 का लॉट है, 5 रुपए हो गए, 8×5=40, 40,000 हो गए जी. अभी होल्ड करना चाहिए किसी के पास है कुणाल NCC? मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए दीपाली, क्योंकि देखिए जिस तरह की गिरावट आई, 135 से पूरा 100 रुपए तक नीचे आया था, तो उसी अनुपात में अगर करेक्शन भी आता, पुलबैक भी आता है, तो 120 तक जाना चाहिए इसको. तो मुझे लगता है जिनके पास है और होल्ड करें, और ऊपर के लेवल आते दिखेंगे. सिमी एक ना कैश का शेयर आप देखिए, वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड. आपने एक बार, मेरे को याद है एक बार पहले भी आपने बताया था, शायद आपके क्लाइंट्स के पास भी था ये शेयर, मेरे को जितना याद है कुछ दिन पहले की बात. 3% ये शेयर अभी आज भी ऊपर है. इसमें करना क्या है,
ये शेयर थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है डिम्पी, इसका चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है. इनफैक्ट इस फॉल में भी ये पार्टिसिपेट नहीं किया था, मतलब निफ्टी का जो फॉल आ रहा है इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. और जो चार्ट दिख रहा है इसमें लग रहा है कि बहुत जल्दी ये 750 के ओर जा सकता है. तो मेरे ख्याल से इसको अभी भी लिया जा सकता है, स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा. 750-755 का माइनर हर्डल है वो, क्योंकि वो रिसेंट हाई भी है इस रेंज में इसका, तो वो हाई जब क्रॉस करेगा तब इसमें फ्रेश ब्रेकआउट भी आ सकता है. बहुत ही शानदार चार्ट है, करंट लेवल पर भी अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट वरुण बेवरेजेस के नंबर अभी 2-3 हफ्ते पहले आए थे डिम्पी, 3 गुना मुनाफा बढ़ा था और तभी शायद 600-650 के आसपास ट्रेड करता था. सीएलएसी की रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने 900 तक के टारगेट्स की बात की थी और उस दिन इसने बहुत तेज दौड़ भी लगाई थी. और इनफैक्ट तब की उस स्ट्रेंथ को इसने अभी भी होल्ड रखा है, नीचे नहीं आया है बाजार. अगर नीचे आया भी तो अच्छी स्ट्रेंथ बनी है वरुण बेवरेजेस में. 736-80 हेडलबर्ग के नंबर आ गए, सीमेंट की कंपनी है और इसका मुनाफा जो है सीधा 37 से 52 करोड़, यानी कि 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है. नो डाउट इस पे अच्छा चलना चाहिए. ये 4.5 रुपए ऊपर आ भी गया, एक्शन में भी है क्योंकि प्रॉफिट का नंबर ही है. इसमें दो ही चीज देखिए, एक वॉल्यूम मार्जिन और प्रॉफिट. प्रॉफिट को छोड़ भी देंगे एक बार चल सकता है, लेकिन मार्जिन और वॉल्यूम अगर ठीक है, ये वैसे तो मिड कैप कंपनी है, इनके पास प्राइसिंग की पूरी पावर रहती है और ये कर भी देते हैं एडजस्ट. बड़ी बड़ी कंपनीज में तो नोटिस होता है, छोटी कंपनीज अगर दाम बढ़ा देते हैं नोटिस भी नहीं होता. लेकिन इस बार 37 करोड़ का 52 करोड़ का जो है, 37 से बढ़कर 52 करोड़ है, ये इंटरेस्टिंग प्ले है. एक ही आंकड़ा है कुणाल जी, जरा देखेंगे हेडलबर्ग का सीमेंट 6% तो हो गया है ऊपर. देखिए चार्ट ठीक ठाक है डिम्पी, और देखिए जहां बाकी सीमेंट स्टॉक्स में हमने बड़ा क्रैक देखा है, इस काउंटर ने कुल मिलाकर अपने आप को होल्ड करके रखा है, तो कोई खास गिरावट इसमें नहीं आई उस करेक्शन के बावजूद. और एक अच्छी बात यह है कि 140 पर बहुत मजबूत सपोर्ट है, वहीं से पुलबैक आते हुए देख रहे हैं. मुझे लगता है जो अभी मूव चल रहा है इसकी सीमा जो है 157 होगी, तो 157 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां तक जाने की संभावना दिखती है. ठीक है, तो अगर किसी ने सौदा आज लिया है तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या, मान लीजिए 5% नीचे ही लिया होगा किसी ने, 140-142 पे लिया है, 145 मुझे लगता है सबसे सही जो स्टॉप लॉस अभी इंट्राडे के हिसाब से बनता है वो 145 टारगेट होना चाहिए. 157 156 पे ही बुक कर लें तो बुराई नहीं. ठीक है, 1-2 रुपए तो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा. कंफर्ट का लेवल 150 के ऊपर आ गया, 8.5 रुपए की मजबूती, 6.5% ऊपर है. सेल्स का आंकड़ा थोड़ा कमजोर आया लेकिन वो 6 ही करोड़ है. 500 करोड़ की अगर सेल कोई कंपनी कर रही है, 6 करोड़ आंकड़े से मिस कर जाए तो ज्यादा बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है ये. हाँ, प्रॉफिट ठीक है, बस मेरे को वेट इसके एक वॉल्यूम की है कि मार्जिन और वॉल्यूम में एक बार पता लग जाए तो उसके बाद तो कंफर्म हो जाएगा कि 145 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है इसके पास. ये कुणाल जी ने आपको ऑलरेडी राय दे दी है. दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी हेडलबर्ग सीमेंट का शेयर ट्रेड कर रहा है, 150 के लेवल्स देखे जा रहे हैं. लेकिन एक बार एविएशन स्टॉक्स को देख लेते हैं फिर से. सुबह तो ये कमजोरी दिखा रहे थे, क्या वो कमजोरी बरकरार है? जेट एयरवेज तो अभी भी 8-9% टूटा हुआ है, 8% नीचे है. स्पाइस जेट आप देखिए अब 6% नीचे आ चुका है. सुबह ही इसने 2-3% का गोता लगाया था, अब तो ये 6% नीचे लुढ़क चुका है. और इंडिगो देखें, इनफैक्ट इंडिगो का बिहेवियर आज थोड़ा सा अलग रहा है, ये टूटा नहीं है बिल्कुल भी 1162 के लेवल पर. राकेश, सुबह भी हम स्टॉक की बात कर रहे थे, गिरा नहीं है, चला भी नहीं है तो गिरा भी नहीं. इसके बाकी दो अगर कॉम्पिटिटर्स देखेंगे तो वो 6% 8% लुढ़के हुए हैं. बिल्कुल दीपाली, बाकी दो लुढ़के हुए हैं और यहाँ पर इस स्टॉक ने एज ऑफ नाउ तो 1140 के अराउंड एक सपोर्ट लिया है, ऊपर में 1200 के अराउंड रेजिस्टेंस है, सपोर्ट लिया है, लुढ़का नहीं है दीपाली. बट टेक्निकली कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि यहाँ किसी तरह की बॉटम फिशिंग की जाए, उछाल पे निकलने की राय होगी. एक बार ना मैं आपको वापस, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, पोल आपको वापस दिखा दूं ताकि आपकी स्टडी थोड़ी क्लियर हो जाए. आज बैंक निफ्टी ने जो अभी के लेवल है वो 800 के भी ऊपर आ चुके हैं. एक बार मार्केट तो भले वही है लेकिन बैंक निफ्टी ये 800 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है. हमारा पोल कहता था कि 700 से 800 के बीच में एक्सपायरी कटेगी, तो ये फायदा हो सकता है. एक बार आप ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर कोई ट्रेड है निफ्टी का, माफ की बैंक निफ्टी का है, बैंकिंग का कोई सौदा है, तो एक बार ये पोल आपके काफी काम कर सकता है. आशीष चतुर्मोता भी इस बीच में साथ जुड़ चुके हैं. आशीष, आपका भी कन्विक्शन यही कर रहा था कि एक बार 700-800 वाली ब्रैकेट तो आपको भी दिख रही थी कि आ जाएगी, अब तो ये 800 के ऊपर भी है, तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी 800 के ऊपर ही आज के दे सकता है एक्सपायरी? डिम्पी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज सुबह से हमें कंसिस्टेंट बाइंग बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 25,800-900 का एक ब्रैकेट जो है वो बैंक निफ्टी छू सकता है. और अभी थोड़ी देर पहले मैं 25,700 की कॉल ऑप्शन लेने की भी सलाह दे रहा था कि ये एक्सपायरी के लिहाज से ये काफी अच्छी लगती है. मुझे लगता है इस ऑप्शन का प्रीमियम जाते जाते शायद आज आराम से मौजूदा स्तरों से 40-45 पॉइंट और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है. ठीक है, अच्छा मेरे को आप एक और चीज बताइए आशीष, इस समय कोई बैंकिंग स्टॉक्स ऐसा है जिसको आप ले सकते हैं, अभी बाय कर सकते हैं?
देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से HDFC बैंक में एक बेस थोड़ा सा बनना शुरू हुआ है तो यहाँ पर पे एक बाइंग का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस होगा 1955 का और ऊपर में मुझे लगता है 1980-85 तक के लेवल HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुक्रिया आशीष आपका ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो IDBI बैंक इनफैक्ट HDFC बैंक इनको अच्छा लग रहा है। IDBI बैंक का इसलिए मेरे जबान पे आए, कल नतीजे आने हैं IDBI बैंक के, उससे ठीक पहले स्टॉक का एक्शन देख लेते हैं। 0.5% के आसपास की शायद ये बढ़त दिखा रहा है। अभी देखिए एक स्टॉक मेरे रडार पर आया है और ये है ग्रैन्यूल्स, जिसमें कि कई दिनों से कमजोरी हम देख रहे हैं। आज फ्रेश ब्रेकडाउन है 90 के नीचे और मुझे लगता है कि ये काउंटर देखिए काफी तेज फिसल सकता है। स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए 88.75 पर। पहला टारगेट आज के लिए 87.25 होगा और कल तक रख लें तो 86.50 तक के लेवल्स आने चाहिए। ये फ्यूचर का आप बता रहे हैं, फ्यूचर के लेवल्स ठीक है। अभी 88 चल रहा है फ्यूचर, एक रुपया नीचे है यहाँ से टारगेट 87 का, ठीक है। दूसरा टारगेट कौन सा सर? 86.50 50 पैसे का फर्क है सर दूसरे टारगेट में? देखिए डिम्पी जी, जिस तरह का मोमेंटम है इसमें हो सकता है कि 86 तक भी चला जाए, लेकिन मैंने कंजर्वेटिव होकर एक स्टॉप टारगेट ठीक है। एक एक रुपए के दो टारगेट बन गए। इसके नंबर भी नहीं आए, अभी नहीं आज नतीजे आने हैं, इसके नंबर भी नहीं, हो सकता नंबर से पहले की आगाह भी हुई है। अगर नंबर थोड़े भी कमजोर हो गए तो 2 रुपए क्या हो सकता है, 3 रुपए भी 4 रुपए भी आ जाए इसके अंदर। तो 87.25 तो एक कैश का लेवल है, लेकिन 88 के फ्यूचर अभी चल रहा है, 1 रुपए की गुंजाइश है जी। तो यहाँ पे आप एक बार ध्यान रख सकते हैं। चलिए ठीक है, पर देखते हैं आगे मार्केट का और मोमेंटम कहाँ पे बनता है। 87 फ्यूचर में आ गया है, आ गया 87। चलिए एक बार दिखाइए 87 का फ्यूचर, और फ्यूचर वाली प्लेट से दिखाइए, उससे आपको ना और क्लियर हो जाएगा। नहीं तो ये क्या है ना, प्रीमियम डिस्काउंट के चक्कर में क्लियर नहीं होता। यस ये फ्यूचर की प्लेट है, थोड़ी देर पहले हमने आपके 88 बताया था, 87 ये पहला टारगेट अचीव, ठप्पा लगाया सकता है टारगेट 1 का ग्रैनुलर्स के फ्यूचर्स में। 1 रुपया सीधा सीधा आपके सामने मिल गया। डिस्काउंट प्रीमियम में किसी तरह का बदलाव नहीं, पहले भी ऐसे ही चल रहा था, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। 1 रुपए के टारगेट वाला जो था ट्रेड आपके पास आ गया, 86 का दूसरा टारगेट, जिस टारगेट 1 अचीव हो चुका है। ग्रैनुलर्स पर नजर रहेगी, लेकिन टारगेट पहला जो है वो अचीव हो चुका है। चलिए कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं और उन पर बातचीत करते हैं। एक बार देख लेते हैं कैश के कुछ और शेयर्स जहां पर मजबूती। आईटी स्टॉक्स तो इनफैक्ट पूरा आईटी ही चल रहा है और अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। हिडलबर्ग सीमेंट अब करीब 5.25% ऊपर आ चुका है। इनफैक्ट हिडलबर्ग सीमेंट की बात हो रही तो इंडिया सीमेंट को देख लेते हैं, कल नतीजे आने हैं इंडिया सीमेंट के और वहां पर क्या रुझान बना हुआ है। दिन के निचले स्तरों पर 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार देखिए कुणाल इसके चार्ट्स इंडिया सीमेंट्स के और बताइए क्या रणनीति रखे ट्रेडर्स। देखिए मैं काफी देर से इसके चार्ट्स देख रहा था दीपाली, मुझे इसमें लगातार कमजोरी दिख रही है और एक और चिंता की वजह यह है कि 130 का एक सपोर्ट था जिसको तोड़कर अभी 123 पर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि गिरावट हो सकता है यहाँ पर जारी रहे। पुल बैक की संभावना जरूर है अगर रिजल्ट मान लीजिए कुछ बेहतर आए, लेकिन ओवरऑल किसी तरह का कोई ट्रेंड रिवर्सल होने के संकेत नहीं है, तो मुझे लगता है अवॉइड करें तो बेहतर रहे। ठीक है, धीरे धीरे मार्केट फिर से जा रहा है 10,500 की तरफ, ध्यान रखिएगा। अब निफ्टी बैंक को देख लीजिए 25,900 के लेवल को पार कर चुका है, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आज ना इमोशनल सपोर्ट बैंक निफ्टी का बहुत है। एक राकेश के पास ट्रेड आ रहा है, फटाफट से पूछ लेते हैं। मेरा दीपाली जी वो बाई ट्रेड है और वो इस पर है जिस पर अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, IDBI बैंक को खरीदने की राय है जिसके कल नतीजे हैं, काफी बढ़िया बिल्डअप है, 66.80 रुपए पे चल रहा है, 65 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाए। पहला टारगेट है मेरा 68 रुपीज, दूसरा टारगेट है 69.50 रुपीज। ये कैश के लेवल है, कैश के लेवल 68। वैसे तो आपको पूरी कुंडली पता है IDBI की, जब भी आप IDBI को भविष्यवाणी करते हो फिट बैठते हैं बिल्कुल। देखिए कुणाल जी आपको याद होगा जी, मुझे 3-4 दिन पहले IDBI के बारे में इन्होंने बताया था 5% ऊपर गया था, उस दिन बाजार कमजोर था, IDBI डे हाई पे था, तो फिर तो राकेश को टारगेट बढ़ाने चाहिए 68 का। देखिए दीपाली जी मेरे तो टारगेट्स काफी ऊपर के हैं, लेकिन ये जो हमारा है ना BT/STT इसकी रिक्वायरमेंट दूसरी है। कल देखिए इसके नतीजे ठीक है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी पास कर रही है, QIP की बातचीत चल रही है, मुझे लगता है कि नतीजों में काफी बड़ी कोई शायद पॉजिटिव अनाउंसमेंट निकल के सामने आ सकती है। अगर वो पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है तो एक काफी बड़ी रीरेटिंग का कैंडिडेट IDBI बैंक बन सकता है। तो उस केस में क्या टारगेट हो सकते हैं दीपाली जी? देखिए जो अगर रीरेट हो गया तो तो दीपाली जी काफी बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे और कल हम साथ में होंगे अगर अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हैं। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो थोड़ी देर पहले IDBI बैंक पे शायद एक रिस्ट्रक्चरिंग की खबर आई थी कि वो एसेट बेचना चाहते हैं 93 करोड़ रुपीज, उससे जुटाना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले फ्लैश हुई थी, उसमें मैं किसी वजह से देख नहीं पाया। देखिए QIP की बातचीत चल रही है तो कोई अगर बड़ा नाम निकल के सामने यहाँ पर आता है इस इतने खराब समय में, वो भी PSU बैंक के अंदर, तो एक पॉजिटिव साइन तो वो निकल के सामने आएगा ही आएगा।
शर्मिला, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में क्या किया जाए, 3% शेयर ऊपर है, असम में बाल्टिक ड्राई इंडेक्स भी ऊपर है, और इस समय क्या है ना, क्रूड की आवाजाही या तो दाम बहुत ज्यादा गिरने पर बढ़ती है या तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ने पर बढ़ जाती है, आपको दूसरी जगह से शिपिंग को बुक करना पड़ेगा, या फिर आपको अपना बफर बनाने के लिए कि दाम और ना बढ़ जाए आपको और विजिट करवाना पड़ेगा। ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे आपकी रिकमेंडेशन जरा क्या है? मेरे हिसाब से आप अगर क्रूड का लॉजिक इस्तेमाल करें तो आई वुड प्रेफर एन अवान ऑफशोर टू एससीआई। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि बॉल्टिक ड्राई फ्रेट और क्रूड इन सब फैक्टर्स, और आई थिंक यू नो जिस तरह की तेजी हम मेटल्स एक्सेट्रा में भी देख रहे हैं, ये सब शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन आई थिंक यू नो काफी बिजनेस भी जिस तरह से चला है और जिस तरह के बुक्स भी एससीआई वगैरह के है, इट्स नॉट रियली वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स। आई थिंक उस लॉजिक से आप अबान ऑफशोर अगर देखो, क्योंकि जो ड्रिलिंग की एक्टिविटी है दैट ऑब्वियसली पिक्स अप जब क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, क्योंकि उसी समय वो कॉस्ट यू नो इज जस्टिफाइड कि आपको कितना ड्रिलिंग करना पड़े और कितना होल्ड करना पड़े एक्सेट्रा। सो आई थिंक अबान ऑफशोर इज अ स्टॉक दैट वी कैन वॉच एंड यू नो लुक एट व्हाइल क्रूड प्राइसेस ट्रेंड हायर। शर्मिला, आपकी बात काफी वाजिब है क्योंकि क्रूड पे ये रिएक्शन भी देता है। अच्छा, मेरे को ना एक चीज आपसे और कंफर्म करनी थी, अबान ऑफशोर के ना डेट को लेकर कुछ एक प्लान बन रहे थे। पहले ये बताया गया कि अपने डेट को मेजोरिटी हिस्से में उतार देगी, उसमें ये भी था कि एक साल के अंदर अंदर उसका 50% डेट कम हो जाएगा, कोई फॉरेन पार्टिसिपेंट इसमें आ रहा था हिस्सेदारी खरीदने के लिए, उसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास एबन में? नहीं, आई एम अफ्रेड नॉट। ये सिर्फ नाम ऐसे दिमाग में आया बिकॉज यू नो यू मेंशन क्रूड प्राइसेस, और मेरे हिसाब से इस तरह के सेक्टर्स हो सकते हैं विच कुड बेनिफिट फ्रॉम हायर क्रूड। अनदर स्टॉक विच ऑलवेज बेनिफिट्स विद हायर क्रूड इज प्राज इंडस्ट्रीज, क्योंकि फिर वो एथेनॉल की स्टोरी फिर से चालू हो जाती है। सो आई थिंक यू नो दीज आर द सॉर्ट ऑफ स्टॉक्स दैट पीपल बिगिन टू लुक एट। जी, लेकिन भारती एयरटेल स्टॉक को देखते हैं, अब इसमें मजबूती और बढ़ी है और अभी 3% ज्यादा की स्ट्रेंथ के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। इनफैक्ट आज के सेशन में देखा है कि टेलीकॉम स्टॉक्स से भारती एयरटेल सपोर्ट कर रहा है, आईटी परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा सौदा है। बट बीटीएसटीटी को मैं 2 तक की लिमिट रखना चाहूंगा क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। आप बता दें यही बड़ा अच्छा ट्रेड है। जैसे सुबह मैंने ट्रेड दिया था टीसीएस पर इंट्राडे के नजरिए से, तो एक छोटा सा ट्रेड है जुबिलेंट फूड पर जो कि एक नई टेरिटरी में स्टॉक एंटर कर रहा है। 2584 पर एक स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में 2670 2675 एक लक्ष्य है जो मुझे लगता है कल 11-12 बजे तक यहाँ पे देखने को मतलब बीटीएसटीटी नहीं है, बीटीएसटी है। हाँ, नहीं दीपाली जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेड है। देखिए, अगर मैं 3-3 बीटीएसटीटी दूंगा तो आप और अनिल जी तो जुबिलेंट फूड्स की तो हमने सुबह बात की थी, ये जब 2600 के नीचे था तब आप बोल भी रहे थे, मैंने 2550 पे भी रिकमेंड किया था, अब दोबारा से रिकमेंड कर रहे हैं। एक अच्छा पैटर्न है, एक नई टेरिटरी में स्टॉक निकला। सुबह भी हमने बात की थी तो ये ट्रेड था कि तेजी की जा सकती है, 2600 के ऊपर निकलेगा तो अच्छी मजबूती दिखाएगा। इसमें एक और डिस्क्लोजर दे दूं, ये हो सकता है कल फास्ट मनी की टीम में भी हो रजत की तरफ से, वो कई दिनों से असल में याद रखना पड़ता ना किसका स्टॉक क्या है, क्या लेवल है, तो वो वैसे पूछ रहे थे कल भी कि क्या जुबिलेंट फूड में क्या तेजी है, मैं एक बार 2600 की वेट कर लेते हैं, पार हो जाएगा, तेजी है, आज पार होगा तो पक्का कल हो सकता है रजत की टीम में आपको जुबिलेंट फूड देखने को मिल जाए, तो एक बार ठीक है। अच्छा, एक बार कुणाल राकेश जी टारगेट एक बार वापस से बताइए जरा। देखिए, मेरा टारगेट है 2670 2675 का टारगेट, मुझे लगता है इजिली कल 12 बजे तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमी आपकी मोहर लग रही है जुबिलेंट फूड पे, तेज है ना, 2600 का लेवल क्रिटिकल था। जी बिल्कुल डिम्पी, एक मौका मुझे मिला है इसलिए मैं कहना चाहूंगी, एक कॉल मेरा बीटीएसटीटी में है जस्ट डायल, जिसमें एक ब्रेकआउट हो रहा है 455-450 से। जुबिलेंट फूड के बारे में मैं बाद में पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जस्ट डायल के बारे में बताएं लेकिन आपको खुला मौका है, आपको जैसे लगे ना मैं आपके पास आऊं या नहीं, क्योंकि कलकत्ता है ना थोड़ा दूर है नोएडा से, तो आप खुद से बता देंगे ना तो चल जाएगा। हाँ, बहुत दूर है इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। आप बोल दीजिए। एक तो मेरे पास भी टेक महिंद्रा आया था डिम्पी, और राकेश ने बता दिया, इसके बाद टेक महिंद्रा को मैंने हटा दिया। चलिए, अब आपके पास जस्ट आ गया और आप लोग भारती के साथ डिस्कस। नहीं, अब आप बताइए, मौका छूटना नहीं चाहिए, मौका मिला, बताइए जस्ट डायल के बारे में बताइए।
जस्ट डायल में दीपाली, जस्ट डायल में एक ब्रेकआउट आया है 455-456 के ऊपर. अगर इस स्टॉक का, ये स्टॉक इस रेंज को होल्ड कर पाता है तो कल तक 468-470 तक का टारगेट आ सकता है. ये मेरा जो मैं जो लेवल दे रही हूँ बहुत ही छोटा सा लेवल है, क्योंकि जस्ट डायल है स्टॉक फ्यूचर्स में है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा. 468 से 72 का मेरा टारगेट है, हो सकता है कल सुबह तक आ जाएगा. ये रहा मेरा जस्ट डायल का व्यू. और ज्वेल एंड फूड्स में तो मैं बहुत बुलिश ही हूँ और ये आज सुबह से भी चल रहा है. 2500 के ऊपर से इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया है, अब 2600 के ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा तो ये कहीं पे भी जा सकता है. इनफैक्ट जहाँ से ये आया था नीचे वहीं पे ये क्रॉस होके निकल जाएगा. इसमें कोई मतलब अभी करेक्शन एक आने का था, आ चुका है. इसमें कोई अभी डिप मिलते ही खरीदना पड़ेगा. 2645 तो हो ही गया, जो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही आ चुका है वापस मेरे ख्याल से. 2668 तब उसके बाद तो 1% के आसपास की मजबूती इसमें बन गई है, लेकिन इसका जो लाइफ टाइम हाई वो 2668 है, तो उन्हीं स्तरों के आसपास ही आ चुका है. लेकिन रिकवरी ONGC और ऑल इंडिया में भी आई है. 10% 11% तक ये स्टॉक लुढ़ के थे, अब सिर्फ 4% रह गया है ONGC और ऑयल इंडिया अब 6% कमजोर है. तो और थोड़ी सी राहत में भी थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि ONGC वेटेज वाला शेयर है ऑयल एंड गैस के अंदर ही, इसलिए अगर आप देखेंगे ना तो आपको एक अच्छा मजबूती मिली है. या आप आवरली चार्ट दिखाए, आप देखिए 2 बजे के आसपास 155 का था और आप करीब 168 का है. हालांकि एक बार हमने आपको रुकने के लिए जरूर कहा था, वो इसलिए भी कहा था क्योंकि रिस्की ट्रेड है आप, क्योंकि पॉलिसी वाला फैसला है ना. अब ऐसी तो कोई खबर है नहीं कि जिससे बहुत क्लियर हो. अब सरकार कल फिर कुछ कह दे, आज लेके चले जाए इस पुल बैक के अंदर, फिर फंस जाए. मार्केट में अंदर 5000 शेयर और लिस्टेड है जहां पे पॉलिसी वाली खबर ड्यू है, बाकी है. एक बार उसमें रुक जाए तो ज्यादा बेहतर था, इसलिए हमने आपको रोका था इस ONGC वाले. इसमें डिम्पी जी TVS मोटर्स में टारगेट सर जी, तो पहले वाला टारगेट लगा है फर्स्ट टारगेट, आज का जो हमारा 541 ये ठप्पा, ये दूसरा ठप्पा लग रहा है. एक तो ग्रेनुलर्स पे लगवा दिया था आपने और अब TVS पे भी टकला 540. अरे तो आपको दूसरा भी लग ही जाएगा, 535 भी लग ही जाएगा. मुझे लग रहा है जल्दी आपका शेयर तो डेलो पे ही आ गया ऑलमोस्ट. क्या था ही 1:30 बजे सेलिंग का प्रेशर इतना था कि ये तो चलना ही नहीं था, ये तो तय था. उसी समय लग रहा था शेयर चलेगा तो नहीं, कम से कम टारगेट लगाने में थोड़ा कंजूसी करे, टाइम ले ले, लेकिन चलेगा नहीं है तो काफी तक क्लियर. लेकिन सही समय पे स्ट्रेटेजी बताई कुणाल ने तो फायदा हुआ ट्रेडर्स का. आगे बढ़े, ये लगातार सौदे आपको मिलते रहेंगे. BTST हमने 2:30 बजे से लाइन खोल रखी है और अब आप देखिए फटाफट आपके सामने सौदे भी आ रहे हैं और टारगेट हिट भी हो रहे हैं. आप भी कोई मौका चूकिएगा नहीं इसमें. अच्छा, एक दो शेयर ना फूड प्रोसेसिंग के चल रहे हैं. क्वालिटी के अंदर अभी भी खरीदारी आई है, उमंग डेरीज इसके अंदर अभी भी खरीदारी. कैश के 2-3 शेयर मैं आपको बता रहा हूँ. हेडसन एग्रो है, ये शेयर भी थोड़ा तेज है. एक बार शर्मिला, ये जो फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनीज है इनमें आपका व्यू क्या है? कुछ उसमें डेयरी के जो शेयर भी आप जोड़ सकते हैं, उनमें आपका व्यू क्या है? आई थिंक जहां तक डेयरी के स्टॉक्स है उसमें मुझे प्रभा डेयरी काफी पसंद है. जिस तरह का उनका बिजनेस है, जिस तरह के उनके प्रोडक्ट्स है और जिस तरह से वो प्रोडक्ट लाइन बनाने की बढ़ाने की वो बात करते हैं, वो अच्छा लगता है. और एक शायद आपने पहले डिस्कस किया वरुण बेवरेजेस, आई थिंक जैसे हम बात कर रहे थे यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज के लिए कि मोलासेस के शुगर के प्राइसेस कम होने का फायदा मिल सकता है, तो इस तरह की बेवरेज कंपनीज है लाइक वरुण बेवरेज, इनको भी काफी फायदा हुआ है फ्रॉम शुगर प्राइसेस कमिंग डाउन. तो यू नो जस्ट एज वी वर टॉकिंग इन रिलेशन विद क्रूड, आई थिंक एक सॉफ्ट कमोडिटी अगर आप देखें जिसके प्राइसेस कम हुए हैं और उसका फायदा हो रहा है, तो आई थिंक इस तरह के स्टॉक्स भी है जिनको शुगर के प्राइस नीचे आने का फायदा हुआ है. इस बीच गेल के नंबर आ गए हैं, 1396 करोड़ के मुकाबले 1020 करोड़ का ही सिर्फ नंबर आया है. खैर गेल का शेयर एक बार कुणाल जी आप चार्ट तैयार रखेंगे, जब तक जितने भी नंबर आए मैं वो एक बार दर्शकों को बता दूं. उम्मीद तो थी कि इसके नंबर्स थोड़े ठीक आएंगे, इसके मार्जिन भी ठीक आने थे और नंबर्स भी ठीक आने थे, लेकिन ये तो अनुमान पहली फिगर तो अनुमान से कम है, जो अनुमान से कम है नंबर 1396 करोड़ के मुकाबले सिर्फ. रेवेन्यू हालांकि अनुमान से थोड़ा बेहतर है, 15413 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पोस्ट किए हैं, 14000 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन. लेकिन दो इसमें है इंपॉर्टेंट, इसमें जरा मार्जिन भी देखना पड़ेगा, इसका मार्जिन कितना है. कुणाल जी थोड़ा चैलेंजिंग है टास्क गेल के अंदर, सिर्फ मुनाफे की फिगर आपको बता रहा हूँ, वो थोड़ी कमजोर है, अनुमान से कमजोर है. वैसे तो बढ़ के ही आई है 260 से, लेकिन वो उम्मीद से थोड़ी कमजोर है. देखिए मुझे लगता है डिपी की चार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है और जिस तरह का स्ट्रक्चर है एक बार के लिए इसमें गिरावट बननी चाहिए. और देखिए अगर इसने 325 को पार कर लिया आज इंट्राडे में तब इसमें तेजी बनेगी, 315 को नीचे की तरफ तोड़ा तो इसमें गिरावट बनेगी. तो मुझे लगता है कि बीच में कहीं अटका हुआ है अभी, 325 ऊपर के लेवल हैं, 315 नीचे के, 315 टूटने की मुझे संभावना ज्यादा है और टूट सकते भी हैं जो कुणाल कह रहे हैं, क्योंकि डिम्पी मार्जिन की बात कर रहे थे, 11% मार्जिन रहे हैं, बिटा मार्जिन 14.5% के आसपास के, मार्जिन तो
बहुत मुश्किल वाले आए हैं और तो एबिटा फ्रंट पर भी परफॉर्मेंस कोई खास रही नहीं है, अनुमान से खराब नतीजे इन्हें कह सकते हैं। 15 का 18 तो आ ही गया, 17 भी हो गया, अब तो ये 15 वाली प्रोबेबिलिटी आप कुणाल जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि चार्ट तो यही कह रहा है कि इसमें कोई पुल बैक नहीं है और नंबर्स भी वैसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। आपके मार्जिन खराब ठीक है, मुनाफा आप किसी को देख के सिर्फ फिगर ये देख रहा होगा 260 से 1000 करोड़ है, वो बाइंग के लिए आया होगा, लेकिन आप देखें ना मार्केट ने पहले से एक्सपेक्ट भी कर रखा था कि इसके नंबर्स कुछ ऐसे ही आएंगे। क्या क्या टारगेट है आपके कुणाल नीचे की तरफ? 315 मैंने पहला टारगेट दिया था, वो तो देखिए मुझे लगता है हिट हो गया है, 1690 तो आएगा, उसके भी नीचे जाने की संभावना दिखती है। और अगर 315 के नीचे आज ये निकलता है तो फिर देखिए सीधा 310 तक के लेवल इसमें आते हुए देखिए। शर्मिला गेल के नंबर तो बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं, ये तो बहुत कमजोर हो गया, एकदम से टूटा भी है, ये कोई कोई वैसे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या फिर ये सिर्फ नंबर्स के साथ एडजस्टमेंट के साथ फिर खत्म हो जाने वाली है? मेरे हिसाब से यानी खत्म हो जानी चाहिए, आई डोंट रियली सी कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है गेल में, लेकिन कमेंट्री जरूर सुनेंगे बट लेकिन जैसे कि आपने कहा क्वाइट डिसअपॉइंटिंग और एटलीस्ट लोअर देन एस्टिमेटेड काइंड ऑफ अ नंबर, बिल्कुल खराब है, ये तो लगातार टूट ही रहा है। 315 क्या 315 तो स्पॉट में भी चला गया, 313 आ चुका है, तो कुणाल जी बहुत बहुत बधाई, 310 को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो कुणाल बता रहे थे एक बधाई और देंगे डिम्पी जी। हाँ बिल्कुल, ग्रैनुल्स का भाव देखिए, अरे वाह गरीबा जरा ग्रैनुल्स भी दिखाइए, कल के टारगेट्स आपने आज ही चेक करा दिए क्या? मुझे लगता है परसों के टारगेट भी आज ही है, दीपाली 80 रुपए का भाव चल रहा है, ये बीटीएस टी एच और टी भी लगा। सुनिए ग्रैनुल्स के नतीजे आ चुके हैं, 50% मुनाफा गिरा है, अरे वाला तो सही टाइम पे, सही टाइम पे कुणाल की स्ट्रेटेजी, पैसा बना ट्रेडर्स का। आप देखिए नतीजे देख लीजिए, नेट प्रॉफिट जो है वो 53-54% गिरे हैं और इसीलिए ये तेजी से नीचे लौट गया, 8.5% नीचे आ चुका है। 88 का भाव था जब दिवाली हमने सेल कॉल किया, याद है मैंने आपसे 1 रुपए भी पूछ रहा था 87, फिर मैंने पूछा आपने कहा 86.50, फिर मैंने कहा नहीं तो 50 पैसे है, फिर आपने कहा नहीं 86 कर लो, तो 1-1 रुपए का टारगेट अब आप देखो 83 हो गया, क्योंकि मुनाफा देखे ना 45 करोड़ से घटकर सीधे 20 करोड़ आया है ग्रैन्यूल्स इंडिया का, और नंबर से पहले जैसा बोल रहे थे कि नंबर शायद खराब आने वाले हैं, इसलिए तब तो शायद 2-2.5% ही नीचे था, 2-2.5% था, अब 6% नीचे आ गए, 7% सिमी और कितना करेक्ट हो सकता है? कुणाल ने तो अपना काम कर दिया, काम क्या किया, बोनस भी हो गया, अब आप जरा और बता दीजिए और कितना टूट सकता है? देखिए अभी का जो लो बना है वो लो अगर टूट जाएगा तब फ्रेश वीकनेस देखने को मिल सकता है। मेरे पास जो टारगेट आ रहा था वो 81 का, और 81-80 का फ्यूचर्स का लो है, वो लो पहले टूटने दीजिए, उसके बाद 77-75 के रेंज में भी ये स्टॉक आ सकता है। तो गेल के नंबर गरणस के नंबर दोनों खराब, और दोनों ही अपने अपने कमजोरी पूरी तरह से दिखा रहे हैं, नंबर्स का असर तो पूरा दिख रहा है इस समय। ग्रैनुल्स इंडिया डेलो पे ठीक है, जिनका शॉर्ट्स की होगी उनको बधाई, खैर 1-1 रुपए में आप बुक कर गए होंगे, अब लग रहा होगा 400 रुपए मिल गए थे, लेकिन ठीक है वो उस समय के जो ट्रेड था वो आपके सामने है। ही एक बार एक और शेयर कुछ देखते हैं जहां पे आज तेजी देखने को मिला, डीमार्ट का शेयर में एक ब्लॉक डील लगी थी, जब ब्लॉक डील लगी थी उस समय का रेट था 1398 का, शेयर एकदम से ऊपर आया और ये पहुंचा था 1420-25 तक आ गया था, 30 तक भी इनफेक्ट गया था ये, उसके बाद ये शेयर वापस से हो गया, अब तो ब्लॉक डील के रेट से नीचे आया है। शर्मिला इसमें ये जो प्रमोटर ने कुछ एडजस्टमेंट हो रही है ड्यू टू लॉ कि आप होल्डिंग ज्यादा नहीं रख सकते हैं, तो उसमें ये जो बड़े बड़ी डील्स लग रही है डीमार्ट के स्टेबल शेयर को ना थोड़ा इनस्टेबल कर देती है, तो अभी क्या करना चाहिए एक ट्रेडर को? अरे डीमार्ट के भी नंबर आ गए आज, तो खैर नंबर का दिन है। शर्मिला पहले आप बोलिए, जब तक नंबर मेरे पास आ जाएंगे मैं फिर नंबर्स भी रखता हूँ। मेरे हिसाब से जैसे कि आपने कहा क्योंकि इस तरह का स्टॉक आ रहा है मार्केट में तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि काफी फैंसी वैल्यूएशंस मिल रहे थे डीमार्ट को एंड दैट वाज ऑन द बैक ऑफ आल्सो कॉन्फिडेंस इन द प्रोमोटर्स, तो ये चीज जो आपने कही कि इट इज बिकॉज ऑफ अ लीगल रिक्वायरमेंट, तो ये समझने में यू नो इतना लाइक यू नो वो टाइम जाता है, तो वो एक बार समय हो जाए फिर आप इसको फिर से देख सकते हैं। दिस इज नॉट फॉर ट्रेडर्स, दिस इज एक्चुअली फॉर पीपल हु वांट टू बाय द स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म। ट्रेडर्स के लिए तो आई थिंक यू ऑल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब विद द काइंड ऑफ कॉल्स यू ऑल आर गिविंग, लेकिन शायद डीमार्ट के नंबर्स आ चुके हैं 16 करोड़ रुपए सीधा सीधा मुनाफा है, और ये डीमार्ट के नतीजे तो आ चुके हैं। कुणाल जी आपको बोलना, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, 6 करोड़ से 16 करोड़ का होगा मुनाफा, अब आप बताइए कितना चलेगा ये? और देखिए मुझे लगता है कि चार्ट काफी सुधरा है पहले से डिम्पी,
और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैश मार्केट का शेयर है, तो यहाँ पर जो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं वो 2300 नीचे की ओर है और 2350 ऊपर की ओर है। 2350 टूटा तो इसमें आपको 2450 तक का मूव दिखेगा, और नीचे की तरफ 2300 टूटा तो फिर 2250 का। तो मुझे लगता है दोनों लेवल्स को वॉच करना चाहिए, ऊपर जाने की संभावना मुझे ज्यादा दिखती है। 2350 टूटा तो फिर 2450 तक जाने की संभावना, 2350 टूटा तो फिर 2400 तक जाएगा। फिलहाल उसके लिए रुक जाइए, पर 50 टूटने दीजिए, 15 रुपये जाने देंगे, उसके बाद कन्फर्मेशन तो मिल जाएगा ना, हाँ ये शेयर चलने वाला, अभी ऐसा नहीं रिस्क ना हो जाए कहीं ये ट्रेड, क्या थोड़ा चलता अच्छा है, इसलिए बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। 2340 तो हो चुका है। इस बीच राकेश जी है कुछ बीटीएसटी? हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ आज एक कॉल और ऐड कर दिया जाए। आज आप वो लिमिट छोड़ दो ना, आप दो वाले अपने अपने आप से लगा लिया, हमने तो नहीं लगाई। फिर डिम्पी जी जिस दिन कॉल नहीं होगा ना उस दिन भी कोई लिमिट नहीं, हाँ। जिस दिन नहीं होगा उल्टा अच्छा है, उस दिन कम से कम जो अच्छा है। तो मेरा एक सेल है कमिंस पर, जिसके आज नतीजे हैं। पैटर्न के मामले में देखें तो बिल्कुल ग्रेन्यूल जैसा पैटर्न है, बेकार एकदम मंदी का पैटर्न है। प्राइस में देखें तो 2.5% प्राइस नीचे गिरा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट में 6.95% का इजाफा है, ओपन इंटरेस्ट काफी तेजी से बढ़ा है। जब कॉल मैंने बोलना शुरू करा था 718 के अराउंड फ्यूचर था, 738 का स्टॉप लॉस, 700 रुपए पहला लक्ष्य, 693 दूसरा लक्ष्य, 700 रुपए पहला लक्ष्य और दूसरा 693 ना। अच्छा इसमें स्टॉप लॉस क्या है? 738 स्टॉप लॉस को ज्यादा डीप नहीं है अनिल जी, वो डिम्पी जी जब दिया था तो 718-19 का रेट था, और जिस टाइम की लिक्विडिटी है इसमें तो नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं। सौदे मैच कराना भी कई बार भारी हो जाता है, इसमें तो 3-3 रुपए का गैप होता है। बाय और सेल का जब आप सौदा डालते हैं ना, तो कभी मार्केट करके मत डालिए, मार्केट डालने में क्या होगा ना, जो सबसे लोअर का रेट होगा वो आपको दे जाएगा। तो इसलिए थोड़ा इनमें जिसमें गैप होता है उसमें प्राइसिंग डाल दीजिए बकायदा, बस वॉल्यूम ही नहीं आएगा, यही प्रॉब्लम है, तो आपके मन चाहे दाम आपको मिल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं तो कई बार आप सौदा डालेंगे सोचेंगे क्या और रेट क्या मिलेंगे आपको। जी तो कमेंस कमजोर है नतीजों से पहले, और ग्रैन्यूल्स का भी हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन ग्रैन्यूल्स के अलावा दो फार्मा स्टॉक्स जो कि अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं, उसमें एक है डीवीज लैब और दूसरा है ग्लेनमार्क फार्मा। अच्छी स्ट्रेंथ बनी है और 3-3% की बढ़त के साथ ही दिन के ऊपरी स्तरों पर है। सिमी आप बताइए, डीवीज या फिर ग्लेनमार्क मौजूदा बढ़त के बावजूद भी कहीं मौका नजर आ रहा है क्या तेजी का? दीपाली दोनों का चार्ट ही स्ट्रांग है, ग्लेनमार्क भी मुझे लगता है कि डिवीज का चार्ट बेहतर है, मुझे डिवीज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और तो मुझे लगता है कि डिवीज में जो आज रिकवरी है, जो आज मोमेंटम है, वो शायद कल तक भी मेंटेन्ड होगा, इसमें मैं ज़्यादा वेटेज दूंगी डिवीज में। ठीक है, मैं बार ना मार्केट पे वापस इसलिए लौट रहा हूँ क्योंकि मार्केट की जो चाल है वो काफ़ी हद तक 2-3-5 शेयरों पर डिपेंड है। 10-500 पर हमने वापस गेन कर लिया शर्मिला, हमने 10-500 को वापस गेन कर लिया सिर्फ एक दिन के गैप को छोड़ के। अगर पिछले 3 दिन आप सौदे देखेंगे, 2 दिन 10-500 के ऊपर रहे, कल कमजोर, आज वापस हमने रीगेन कर लिया। मार्केट में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दिख रही है आपको क्या? ये ठीक है जो हुआ, कर्नाटक के बाद प्रॉफिट बुकिंग आना था, बाजार थोड़ा ओवरवैल्यूड भी लग रहा था, सबको पता था और हुआ भी है। वहां से तो 400 पॉइंट है नीचे निफ्टी, उस दिन 10,900 का था निफ्टी जब कर्नाटक में काउंटिंग हो रही थी। मुझे लगता है कि दो चीज़ें, एक तो जैसे कि सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की जिस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है और उस वजह से हम जिस तरह का प्रेशर देख रहे हैं मिड कैप्स पर, सो आई थिंक आपका हेडलाइन निफ्टी नंबर कुछ भी रहे या सेंसेक्स कुछ भी रहे, जो पेन है आज की तारीख में वो काफ़ी हद तक मिड कैप्स में है और जो स्टॉक्स इन इंडाइसिस के बाहर है उनमें है। सो आई थिंक यू नो दैट इज वन फैक्टर जो काफ़ी यानी मेरे लिए तो एक कंसर्न की चीज़ है कि जब हम बाइंग उनमें वापस लौटते हुए देखेंगे तब आप इस चीज़ से यानी कि वो सेलिंग हो गया है और उनका एडजस्टमेंट हो गया है और फिर से यहाँ हम बाइंग की उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज उधर काफ़ी प्राइसेस टूटे हैं। इनफैक्ट आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट लिटिल बिट हायर देन देयर 52-week लो सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बट वेन द ब्रॉडर मार्केट इज कंसर्न आई कम्प्लीटली अग्री, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं फ्रॉम DIIs, FIIs, FII का सेलिंग ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बाइंग से मैच होते जा रहा है, सो आई थिंक यू नो थोड़ा कंसोलिडेट मार्केट करेगा ये लेवल पे, पर यहाँ से आई थिंक यू नो ऐसे अब लग रहा है कि यू नो जो मैंने सेलिंग की भी का जो जिसका जिक्र किया और अर्निंग सीजन, वो सब हम धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करके आगे बढ़ने की तैयारी में है। जी लेकिन जोरदार तेजी है बैंक निफ्टी में और अभी 26,000 को अप्रोच करने की तैयारी कर रहा है। सरप्राइज मूव कह सकते हैं कुणाल आज बैंक निफ्टी का?
दीपाली, जैसे हम बात कर रहे थे जब हम एक बजे का शो कर रहे थे, उस समय भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मुझे उतना कमजोर नहीं लग रहा था, और अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक ब्रेकआउट आया है और बैंक निफ्टी ने 25,800 को पार कर लिया, जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा पॉजिटिव साइन है। मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे, और मेरी राय में 26,000 के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में कल के सत्र में या परसों के सत्र में आते हुए दिख सकते हैं। कल का दिन जितना बुरा था ना, आज का दिन उतना ही बेहतर हो रहा है, कम से कम इंडेक्स के लिहाज से भी है और शेयर्स के लिहाज से भी है। अब एक बार जरा वी मार्ट और दिखाइए, थोड़ी देर पहले हम वेट कर रहे थे, उसमें चल रहा था 2335 का रहा, तो हम ये कह रहे थे कि भाई 50 पहले पार हो जाए फिर चलेंगे। ये शेयर अभी अभी 2390 मार क्या है, जो इसलिए आपको चार्ट ही दिखाया, सीधा 2390 का जो सिंगल बार देख पा रहे हैं ना वॉल्यूम वाली, ये उसी समय की बार है 2360 पे समय कामकाज करते हुए। तो ठीक है, नंबर्स पे सबसे पहले और नंबर्स के विश्लेषण पे सबसे पहले, और उसमें कन्वर्जन सौदे में बदलना और उससे मुनाफा कमाना, उसमें इसी बिजनेस नंबर पे पहले, तो सबसे पहले आपको गेल का चार्ट देखें, देखिए गेल में क्या गिरावट आ रही है, एक बार दिखाइए गेल का चार्ट भी। गेल हालांकि आप पहले ही बता चुके हैं कमजोर है, और इसमें तो 310 का हमारा टारगेट था, जो मुझे लगता था कल आएगा, आज ही 309 हो गया, कल वाला भी आज हो गया, और अब इसमें एक नया ब्रेकडाउन है। टारगेट 2 की पहले मोहर लगवा ले, टारगेट 2 की भी लगाइए मोहर, ये हालांकि लगनी कल चाहिए थी लेकिन आज ही लग रही है, आज तो टारगेट 2 की भी मोहर लग जाएगी, एक ही शेयर पे दो मोहर, टारगेट 1 हिट एंड टारगेट 2 हिट। देखिए मुझे लगता है कि अगर आज बंदी 315 के नीचे आई, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो आपको और नीचे के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, और कोई आश्चर्य नहीं है कि इसमें 300 का भाव भी आते हुए दिखे, तो खरीदने की तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और हल्का सा उछाल मिले तो बिकवाली की कोशिश करें। 26,000 हो गया बैंक निफ्टी और 26,000 के पार हो गया आज, तो हमने जो पोल में बताया था उसमें हालांकि मेजोरिटी करते, लेकिन आपको ध्यान होगा अनिल जी सुबह ये भी हमको बता रहे थे कि आपको ऊपर के लेवल्स देने चाहिए, तो रेशियो ऊपर बढ़ता है, मैं वही सोच रही थी अभी, और आप देखिए 26,000 के उसमें है ना, जब हम तो एक्सपर्ट से जब बात करते हैं, हमको तो एक्सपर्ट्स का व्यू आपके सामने रखना ही था, तो उन्होंने हमको थोड़ा कॉशियस होके कहा था, उनको ये लग रहा था कि दो दिन, तभी मैंने कहा अभी कुणाल से कि क्या ये सरप्राइज मूव था, 300-350 अंकों का उछाल एक्सपेक्ट कर रहे थे निफ्टी बैंक में, क्योंकि एक भी एनालिस्ट हमारे पोल में ऐसा नहीं था जिसने कहा था कि 26,000 के लेवल लग जाएंगे, इसलिए सरप्राइजिंग तो क्या, हमने 10 एनालिस्ट से बात की थी आज, और स्पेशली जो इंडेक्स को अच्छा कवर करते हैं, जिनके एल्गो लगे, जिनका बेस है अच्छा, उससे उनसे भी हमने पूछा था, तो 26,000 का लेवल तो उन्होंने भी हमको नहीं दिया था, लेकिन आज का जो पूल है वो तो खैर इससे तो बहुत ही परे आज बैंक निफ्टी, लेकिन सुबह बाजार खुलने से पहले जो स्ट्रेटजी अनिल जी ने बताई थी वो खरीदारी की बताई थी, 25,900 के लक्ष्य की बात करते कहते ऊपर की तरफ अग्रेसिव है लेकिन अचीव हो सकता है, उसके बियॉन्ड भी गया है, लेकिन इस पोल का आपको फायदा जरूर हुआ है, इस पोल का फायदा ये हुआ कि आपकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो गई, और इससे एक चीज पता लगी थी कि जिस तरह से आपका रेशियो बढ़ रहा था कि ऊपर की तरफ भरोसा है ब्रोकर्स का, ट्रेडर्स भरोसा बढ़ा है। शर्मिला, ये बैंकिंग को लेकर अब सरकार ने कल, इनफैक्ट बैंकिंग सेक्रेटरी ने बोला कि इस बार जो हमको एनपीएस दिखे हैं या प्रोविजनिंग बैंक को करनी पड़ी है, अब ये स्थिति पुराने दिन हो जाएंगे, अब यहां से हो सकता है आपको बेहतर स्थिति मिले, आप बैंकिंग सेक्रेटरी की उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, आपको विश्वास है, ट्रस्ट है? आई थिंक दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से अगले एक दो क्वार्टर के नतीजे ही इस चीज़ को बेयर आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं, और ये सिलसिला कुछ बैंक्स के लिए तो जारी रहेगा कि आप एनपीएस डिस्कवर करते रहेंगे, और उसके साथ साथ जो केसेस एनसीईआरटी में डिक्लेयर हुए हैं उसका एक केस का भी अभी तक हमने रेजोल्यूशन नहीं देखा है, नो विच इज़ लाइक फुल एंड फाइनल ओवर, तो शायद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भूषण स्टील पहली वो केस होगी, तो उसमें कितना हेयर कट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फॉर इंस्टेंस लेना पड़ता है, एंड यू नो इफ यू वांट टू एक्सट्रापोलेट दैट कि और केसेस में कितना लेना पड़ेगा, सो आई थिंक यू नो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और अनफॉर्चुनेटली रेजोल्यूशन अभी चालू होगा इस साल, तो वो रेजोल्यूशन को होते भी होने के लिए भी फॉर इट टू प्ले आउट ऑल्सो एक दो साल जा सकते हैं, सो आई थिंक वी आर फार फ्रॉम डन रियली, और एक दो क्वार्टर कम से कम इस तरह की चीज़ें हमें सुनने में मिलेगी कि किस तरह के यू नो जो उनके लोन्स थे दैट हैव स्लिप्ड इनटू एनपीएस। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स को आप देखिए एक एक करके, एक्सिस बैंक 3% ऊपर है, एसबीआई का लगातार ये तीसरा सेशन है शायद टिम्पी तेजी बरकरार बनाए हुए, तीसरे दिन दो नंबर्स के बाद, नंबर्स के बाद 246 रुपए का था जब इसके नंबर पहली बार जब आए थे तब ये 246 रुपए का था, आज 266 से ऊपर का हो चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा का नतीजा आने उससे ठीक पहले 1.5-2% ऊपर, एचडीएफसी बैंक का तो जिक्र अभी आशीष चतुर्मुथा कर रहे थे जब फोन पर उनसे बात हो रही थी, और ये स्टॉक भी अब 1% ऊपर। ऐसे में आपको कोई बैंकिंग स्टॉक अच्छा लग रहा है क्या जहां पर पोजीशंस कल के लिए कैरी की जा सकती हो?
दीपाली, स्टेट बैंक रिजल्ट्स के बाद से ये स्टॉक एकदम टर्न अराउंड दिखाया है, मतलब ऐसा ही फॉर्मेशन शो कर रहा है कि नीचे एकदम बॉटम बन गया है और आज भी ये मेंटेन कर रहा है स्ट्रेंथ लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन, तो मुझे लगता है कि ये कैरी किया जा सकता है। मेरा दूसरा स्टॉक जो आज सुबह से मुझे अच्छा लग रहा था वो था ICICI बैंक, 290-92 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया है, पर अभी 300 के आसपास थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगी कि यहाँ से कैरी करना है कि नहीं, पर ये अगर 292-293 के आसपास मिलता तो मुझे बहुत ये कहना पड़ता कि इसको लेके जाने का चाहिए, लेके जाना चाहिए, 300 से 304 का टारगेट आ सकता है। ये दो स्टॉक मेरा, मुझे लगता है कि बैंकिंग में इसमें पोजीशन कैरी की जा सकती है। ठीक है, एक शेयर कुणाल जरा आप देखिए, अभी हेडलबर्ग के ना नंबर आए थे उसके चलते हुए एक है स्टार सीमेंट, थोड़ी देर पहले कुछ दिन पहले इनफैक्ट हमारे साथ संदीप जैन जुड़े थे, वो कह रहे थे कि इस शेयर के अंदर अच्छी तेजी मिल सकती है, नॉर्थ ईस्ट का ये अच्छा प्लेयर है सीमेंट का, वहाँ पे जब देश के प्रधानमंत्री नेपाल भी गए थे तब भी इसके बारे में हम चर्चा काफ़ी कर रहे थे। तो एक बार ये अभी अभी ना वॉल्यूम और इसने एवरेजेस को एक थोड़ा ब्रेकआउट किया है, आप जरा देख के बताएं चल सकता है क्या? देखिए बिल्कुल चल सकता है डिम्पी, इसमें एक ब्रेकआउट का इंतजार है बस, और ब्रेकआउट है 132.50 रुपये के ऊपर, दो तीन बार ये इस लेवल के ऊपर गया लेकिन टिक नहीं पाया है, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर जाएगा, लेकिन 132 के ऊपर ही खरीदें तो बेहतर होगा, थोड़ा सा लिक्विडिटी यहाँ पर कम रहती है आमतौर पर, लेकिन 132 पार हुआ तो फिर 145 चला जा सकता है, 132 पार हो तो 145 का टारगेट है। अच्छा, अभी 132 तक की वेट कर सकते हैं, ठीक है वेट कर लेते हैं, ये वेट करना भी कई बार ठीक साबित होता है, 132 की वेट करेंगे उसके बाद इस सौदे के अंदर एक बार ध्यान देंगे कि इसमें और करना क्या चाहिए फिलहाल अभी। लेकिन 10,500 के पार निफ्टी और ऊपर अपने लेवल्स को होल्ड करते हुए टिकते हुए लगभग 90 अंक ऊपर ही आ चुका है, 10,521 के स्तर हैं। लेकिन एक स्टॉक जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था राकेश, आप ही अपना व्यू दीजिए, वो है बर्जर पेंट्स का, इसमें मजबूती अब और बढ़ी है और ये 292-293 के आसपास आ चुका है, क्या अगले लक्ष्य हो सकते हैं? दीपाली जी अगला लक्ष्य है यहाँ पर 297-298 का बैठता है और काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, आज सुबह इसको अच्छे लेवल्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ना सिर्फ डिस्कस किया था बल्कि क्लियर कट बाइंग की राय दी थी विद अ क्लियर स्टॉप लॉस, और जो इंट्राडे के लक्ष्य थे 288-290 के वो अचीव हुए हैं, बट डेफिनेटली नई खरीदारी का भी कैंडिडेट है और 297-298 के लक्ष्य के लिए इसको खरीदना चाहिए। अब मैं आपको जरा वो शेयर भी दिखाता हूँ जिसमें अभी अभी खरीदारी आई है, फिर कहीं भूषण स्टील एक बार देखिएगा, ये 4.5% ऊपर है, बर्जर पेंट जैसे दीपाली कह रही थी एक स्पेशलिटी केमिकल नहीं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट वाली कंपनी है, ये 3-3.5% अभी ऊपर आ चुका है। एक बार सिमी इसके चार्ट और देख लीजिए स्पेशलिटी के, 124 पे अभी चल रहा है, 3% ऊपर है, थोड़ा वॉल्यूम की दिक्कत रहती है, इसलिए ये क्या BTST कर जाए, मतलब BTSTT भी कर सकते हैं अगर आप आज का कोई टारगेट दे दें तो। डिम्पी फ्यूचर्स में नहीं है स्टॉक, BTSTT करके फायदा है क्योंकि वॉल्यूम के साथ भी लिया जा सकता है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर लेना है तो 124 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, मैं एक स्टॉप लॉस देती हूँ, BTSTT मैं कर सकती हूँ पर स्टॉप लॉस 122 का ही लगाना पड़ेगा, मतलब आज अगर 122 के नीचे क्लोज करेगा तब तो बिल्कुल लेके नहीं जाएंगे, और टारगेट कल के लिए 128-130 का बनता है, अगर हो सके तो ये शायद कल तक 128-130 का टारगेट दे देगा। ठीक है, नजर रहेगी इस स्टॉक पर, लेकिन टेलीकॉम स्टॉक्स पर क्विकली कुणाल कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? भारती एयरटेल आइडिया दिन के ऊपरी स्तरों पर है, देखिए आइडिया पर जरूर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है दीपाली, जिसमें कि मुझे लगता है कि एक बार के लिए 58 तक के लेवल्स भी शायद आ जाएं 58-50 के, लेकिन यहाँ पर बहुत एहतियात से ट्रेड करना चाहिए और स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए 55-50 का, पहला टारगेट होगा 58-50 का, क्योंकि देखिए डे हाई पर बंद हो रहा है, अच्छा मोमेंटम बन रहा है, तो मुझे लगता है कल हो सकता है 58-50-59 के लेवल्स आए। ठीक है, इसमें एक शेयर और जरा, वो NBCC में बात कर रहे थे ना और कुणाल कह भी रहे थे कि एक बार 91 का स्टॉप लॉस रखेगा, 94 हो चुका है अभी ये शेयर और मार्केट ने भी अच्छा बढ़त दिखा लिया, 520 पे आ गए, NBCC भी चला, मार्केट भी चला, बैंकिंग भी चला और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पे आपके सामने राय जो अभी सीमित भविक हमको दे रही है। तो एक बार NBCC एक बार वापस इंट्राडे चार्ट दिखा सकते हैं। एक और शेयर है रैमकी इंफ्रा, इस शेयर को भी जरा राकेश आप देखिए रैमकी इंफ्रा को, ये कितना ठीक लग रहा है आज ना, इंफ्रा वाले शेयर्स अच्छा चल रहे हैं आज, NCC के नंबर्स आने के बाद ना एकाएक इनमें भी वॉल्यूम आ गया वापस से, जरा रैमकी इंफ्रा पे अपनी राय दीजिए आप।
देखिए डिम्पी, रैमकी इंफ्रा में भी एक गिरावट देखने को मिली थी, स्टॉक ने 168 की एक नेकलाइन तोड़ी थी, आज स्टॉक में टेक्निकली मुझे पुल बैक लगता है। और डिम्पी यहाँ पर बेसिकली टेक्निकली कंफर्ट आएगा खरीदारी करने के लिए, एक बार स्टॉक 170 के ऊपर निकल के सस्टेन करे, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि नीचे में 155 के अराउंड स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है, 155 पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। मेरी राय में तो डिम्पी थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना चाहिए, 170 के ऊपर सस्टेन करे तब बाइंग करनी चाहिए, बट जिन्होंने ले रखा है आज इतनी तेजी के बाद वहां वो लोग 155 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और वैसे भी छोटी इंफ्रा कंपनियों के रिजल्ट्स डिम्पी, एमईपी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा आपने देखे होंगे आज, अच्छी मजबूत नंबर्स उनके डबल हो गया। और नेक्स्ट वीक रैमकी इंफ्रा के भी नंबर्स आने हैं 30 मई को, इंटरेस्टिंग एक्शन ये स्टार सीमेंट 132.50 रुपए से कर गया पार जी, 3.5% हो गया ऊपर। ये देखिए मुझे लगता है बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया है ये डिप्टी, और मुझे लगता है कि जो ब्रेकआउट इसमें आ रहा है 130-150 अभी मेरे स्क्रीन पर चल रहा है, हो सकता है थोड़ा पीछे चल रहा हो, 132 के ऊपर निकला तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए, मुझे लगता है कि 145 तक के टारगेट है। और गेल में भी डिप्टी जी 300 रुपए का भाव लग गया। अरे गेल का तो आज हमने कमाल कर दिया, लेकिन सिमी ने जो पहली कॉल दी थी उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जस्ट डायल सिमी, क्या टारगेट्स है आपके जस्ट डायल में? 4.68 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
अब देखिए आप सीधा कलकत्ता से कॉल जस्ट डायल, यहाँ पे एनबीसीसी, गेल और राकेश जी भी कॉल लगातार हिट हो रही है। राकेश जी जबरदस्त कॉल दी है। डिम्पी जी काफी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए मैंने टेक महिंद्रा पे कॉल दिया था 711 पर, 716 तक स्टॉक गया, उसके बाद स्टॉक ने डिप लिया, 708 तक गया, स्टॉप लॉस मैच नहीं करा, दोबारा ऊपर में खड़ा हुआ है 714 पर। तो एक्सटेंसिव रिसर्च होती है इन कॉल्स के पीछे। शानदार, आप सबकी बदौलत ऐसा हो रहा है, आप सब बेहतरीन। सबसे बड़ा बात ये टेक महिंद्रा का जो कॉल राकेश ने दिया था उस समय मैं भी वो आधा क्रेडिट मैंने राकेश एकदम फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस दिया था, मैंने 700 का स्टॉप लॉस सोच रही थी और मेरा जो टारगेट था वो 729 का था, क्योंकि इसका चार्ट में 729 का लास्ट हाई था, मैं 729 का टारगेट देने वाली थी, पर मेरा टारगेट कल का ही था क्योंकि रिजल्ट आज है, कल अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो टारगेट हिट हो जाएगा, उससे ऊपर भी जाएगा, रिजल्ट्स अगर बुरा होगा तो 700 का स्टॉप लॉस चला जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। इस बीच आरएसी पीएफसी दोनों भी करीब करीब 568 का जस्ट डायल का टारगेट आ चुका है, फर्स्ट टाइम पहले मोहर लगेगी जस्ट डायल पे, फिर आगे बढ़ेगी बाजार में। पहले लगाइए मोहर जस्ट डायल पे, जस्ट डायल को डायल हो गया और ये लग गई पहली मोहर। सिमी जी टारगेट हिट, बधाई हो बहुत बहुत आपको। थैंक यू जी, चलिए अच्छे उछाल के साथ जस्ट डायल भी ट्रेड करते रहे और इनफैक्ट अब 469 हो गया है। हम सिमी का कहीं अगले टारगेट जो है अगले दिन के वो आज अचीव ना हो जाए 472 के। अच्छा कुणाल, आपके पास है कुछ बीटीएसटी या एक शेयर मैं आपको बताऊं आपका दिया हुआ था, वो था कैडिला जी। ये शेयर ना आप अच्छी तरह से ट्रैक कर रहे थे, आपका एवरेज थोड़ा वीक है लेकिन ये कल तो टूटा आपके कहने पर, आज ने इसमें थोड़ा पुल बैक आ रहा है वापस, इस पे ट्रस्ट करें या नहीं करें, बस ये पूछना है मेरे को आपसे। डे हाई पे बंद हो रहा है, देखिए चार्ट तो अच्छा हो गया है डीपी और मुझे लगा है दो दिन में जो लोग शॉर्ट करके ट्रैप हुए हैं उनको अब इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा, हो सकता है कि इसमें पुल बैक एक्सटेंड हो जाए और 365 इसके लिए टारगेट होना चाहिए। तो मेरी राय में पूरी तरह सहमत हूँ आपसे कि इसको खरीदा जा सकता है, स्टॉप लॉस आज के ओपन पे रखें 352 के आसपास और इसके लिए टारगेट 365 का। कुणाल एक कावेरी सीट के बारे में बताइए, ये तेजी वाले ट्रेडर्स के निकल आए क्या बाहर अभी, क्योंकि अच्छा मूव आज के सेशन में मिला है, अभी रिजल्ट्स भी आने हैं, बायबैक पर बोर्ड मीट भी है, शायद बाजार बंद होने के बाद ही अब तो आएगा डिटेल्स, होल्ड करके ले जाएं या फिर क्या करें? देखिए मुझे लगता है अभी होल्ड करना चाहिए, इसमें काफी जो सरप्राइज मूव आया है आज अगर आप देखें, और मुझे लगता है एक बार के लिए 523 तक ये चला जाएगा, 523 इसके लिए टारगेट होना चाहिए, जिनके पास पोजीशन है 500 का स्टॉप लॉस रखें, 523 टारगेट होना चाहिए। शर्मिला ये तीन दिन हो गए जो आईटी कंपनीज चल रही हैं, उसमें टीसीएस भी चले, कुछ छोटी कंपनीज भी चली, रीजनिंग ये था कि थोड़ा इनके नंबर्स अच्छे आए, मिड कैप आईटी कंपनीज के भी नंबर अच्छे आए और रुपए का भी फ्लेवर चल रहा था, ये आगे कंटिन्यू होगा
या जैसे आज मार्केट की क्लोजिंग मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि जो ऑटोमेटिकली हेज बन जाता है ना आईटी, ये वापस कमजोर ना हो जाए कल के दिन में, ये ऐसा दिखता है। तो आपको आईटी पे ट्रस्ट है ना, ये भी और भी कंटिन्यू करेगा ना? एक तो यू नो आई थिंक यू डिडंट मेंशन इंफोसिस, और आप पहले कोई और स्टॉक की बात कर रहे थे, बट इंफोसिस इज आल्सो एट एन ऑल टाइम हाई। आई थिंक इट्स एट अ रिकॉर्ड वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, और इट कुड हैव क्रॉस्ड इट टुडे। तो मेरे हिसाब से जरूर इस पर नजर रखनी चाहिए। तो एक इंफोसिस जैसी दिग्गज कंपनी इस तरह का परफॉर्मेंस दे सकती है, तो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू टू कीप आवर फेथ इन आईटी स्टॉक्स। ये बात अलग है कि इट कुड टेक अ लिटिल लाइक अ डे ऑफ और थोड़ा बहुत सेल ऑफ या कंसोलिडेशन आए, पर जिस तरह से रुपी है, जिस तरह के उनके नतीजे आए हैं, और मेरे हिसाब से जिस तरह से बाइंग फिर से इस सेक्टर में आई है, यू नो बिकॉज वी हैव ऑल्सो सीन कि जो सेक्टर्स में ओवर ओनरशिप थी उनमें थोड़ी बहुत सेल ऑफ आई है, या यू नो वेदर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नंबर्स अच्छे रहे हो, यू नो लाइक एन ऑटो और एनीथिंग विच वर एट 52 वीक हाईज, लेकिन जिसमें बाइंग ही नहीं थी और काफी अंडर ओनरशिप थी और मिड कैप और लार्ज कैप में गैप भी था, उसमें हमने देखा है कि काफी बाइंग आई है। सो आई कंप्लीटली कंटिन्यू टू बी बुलिश ऑन आईटी। टेक महिंद्रा ऑल्सो आई थिंक यू विल सी कि मार्केट का जिस तरह से रिटर्न हुआ है ये पिछले साल में, टेक महिंद्रा इज इनफैक्ट इट्स एट एन ऑल टाइम इट्स वेरी क्लोज टू इट्स 52 वीक हाई, सो इट हैज गिवन बेटर रिटर्न्स देन द मार्केट इन अ यू नो इन द लास्ट ईयर। सो मेरे हिसाब से ये काफी एक अच्छा स्ट्रांग सेक्टर है, और इस पर जरूर नजर रखिए। ठीक है सिमी, आपको फिर से बधाई देना पड़ेगा क्योंकि आपका जो दूसरा टारगेट है ना जस्ट डायल का, वो भी हो गया हिट। आपका था 472, 473, अभी अभी लगा के इसने हिट कर दिया है। तो टारगेट वन हिट, टारगेट टू हिट जस्ट डायल की, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज तो आपने कमाल ही कर दिया जस्ट डायल का शेयर। थोड़ा वेट करा के ही कॉल पूछना, तो इसी दमदार कॉल्स निकलेंगे। सिमी ये ना ये अच्छा शगुन है, मार्केट वालों को ना बड़ा वहम होता है, तो ये एक अच्छी बात है। जब भी आप कुछ बोलने लगे ना तो एक बार आप पहले मेरे को बोले, डिम्पी पहले आप बोलो एक मिनट के लिए, फिर मैं बोलूंगी, तो शेयर पक्का हिट होगा। ये टोटका है मार्केट का। हाँ कई लोग कुणाल जी, ये बाजार के लोग बड़े वहमी होते हैं, टोटका काम कर जाता है कई बार। ठीक है, तो 471, 472 हो गया। खैर बाजार भी आज जोरदार बढ़ा दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मार्केट का बिल्कुल क्लीन, बहुत मैसेज लाउड एंड क्लियर था कि लास्ट में जब उसने पुलबैक दिखाना शुरू किया क्यों रुकेगा नहीं, इंडिकेशन दिया बैंक निफ्टी ने। सबसे पहले अपनी 800 की रेंज को पार किया, ये इमोशनल सपोर्ट बाद में नंबर्स का सपोर्ट बन गया, और इसने वापस शॉर्ट कवरिंग कराना शुरू कर दिया। जो आपको धड़ाधड़ शेयर मिले उसकी वजह भी यही थी कि यहाँ पे लगातार हमको अच्छे शेयर, अच्छे पैटर्न वापस बनते हुए दिखे। आज के खैर जो स्टार ट्रेडिंग कॉल थी जो आज बनी BTSTT के अंदर, वो था गेल, वो था जस्ट डायल, वो था ग्रैंडलेस इंडिया। ये कुछ ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने आज आपको खूब पैसा बना के दिया इसी एक घंटे के अंदर। टीवीएस मोटर जिनके आज टारगेट हिट हुए, और साथ ही राकेश जी भी कॉल थी जो टेक महिंद्रा वाली दी गई कॉल, जुबिलेंट। आपको कौन कौन सी कॉल करना है? आप तो शानदार, आज का दिन बहुत बेहतरीन, मार्केट का एक तरफा रुख, बाय सेल दोनों मिले, ये शानदार कॉल्स आपके सामने। 2660 हो गया जुबिलेंट, आज डे हाई पे क्लोज कर रहा है, इंडेक्स में भी पैसा कमाने का मौका मिला सुबह जब इंडिकेटिव एक्शन के दौरान ये सलाह दी गई थी कि बैंक निफ्टी जहां खुल रहा है यही खरीद दीजिए, आपका पैसा बनेगा। तो बना के वाली है, बल्कि रिजल्ट्स का जो अनुमान भी रखा ना वो भी, पावर फाइनेंस, REC, ये दोनों के दोनों शेयर्स भी आज डी हाई पे बंद हो गए। तो आज कमाल का दिन रहा, आज की अच्छी क्लोजिंग रही है, और उम्मीद तो करते हैं ऐसी क्लोजिंग भले मिले ना मिले, लेकिन इस तरह का पैसा आपका जरूर बनता हो चले, ये तो हमारी गारंटी, कम से कम हम तो ले ही रहे हैं जो आपके सामने रखते हैं। खैर आज के मार्केट का एक बार रिदम देख लेते हैं, आज क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 500 के ऊपर आज हमको क्लोजिंग मिल रही है, बैंक निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लोज कर जाएगा ऐसा लग रहा है। एडजस्टेड फिगर शायद 50-60 अंकों को ना तोड़े। इसके अलावा आज का जो सेक्टोरियल मूव था वो था फार्मा, वो था IT, इन दोनों ने आज काफ़ी सपोर्ट की। आज थोड़ा बहुत नुकसान ऑयल एंड गैस कंपनी से हमको मिला, ONGC ने, ऑयल इंडिया ने, ये थोड़ा कमजोरी दी, लेकिन उसके बाद इनकी रिकवरी भी बड़ी काम आई, इन्होंने आज जो रिकवर किया 50% अपनी गिरावट को रिकवर करना भी इन्होंने काफ़ी बेहतर दिखाया। एक और चीज़ आप नोटिस कीजिए, विक्स आज 6% टूटा है। विक्स का टूटना भी एक इंडिकेशन है, ये बिल्कुल रिवर्स चलता है मार्केट के। विक्स का 6% टूटना इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपको मजबूती थोड़ी स्थायी भी हो सकती है, और अभी उस लेवल पे नहीं आया जहाँ पे कन्वर्जन मिले, अभी भी 13.5 के ऊपर ही खड़ा हुआ है, ये 12 पे आके थोड़ा कन्वर्जन मिलेगा, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके उलट होने लग जाते हैं। आज का सुपरस्टार बना IT, इसके अलावा सरकारी बैंक, और साथ ही साथ मेटल। आज मेटल का दिन भी काफ़ी स्ट्रांग था, मेटल्स के ज़्यादातर शेयर वेटेज भी रखते हैं निफ्टी पे, और उन्होंने भी आज अच्छी खासी क्लोजिंग दिखाई।
और दमदार कॉल्स तो थी ही जो जी बिजनेस पर आपको मिली थी, जिन्होंने पैसा आपको कमा के दिया, और डिम्पी ने उन नामों का भी जिक्र भी किया था, फिर चाहे वो जुबिलेंट फूड्स हो, जस्ट डायल हो, मंदी की तरफ ग्रैन्यूल्स इंडिया हो, टीवीएस मोटर्स, गेल हो, तो इंडेक्स ने ही नहीं बल्कि शेयरों में भी जो रुझान था वो काफी कह सकते हैं एक्शन भरा था, काफी दमदार था वहां पर नहीं, वहां पे बकायदा हरा निशान भी नहीं उनको मिला, जबकि आपका बेसिक इंडेक्स निफ्टी 50 वाला वो इंडेक्स 1% ऊपर है, एथिकली मिड कैप का इंडेक्स इससे कहीं ज्यादा चलता है परसेंटेज में, लेकिन वो बकायदा लाल निशान में 1/4% नीचे भी है। ये वजह भी हो सकती है क्योंकि इंडेक्स के अंदर काफी देर तक शॉर्ट कवरिंग आई, बैंकिंग स्टॉक्स का मूव मिला, तो इसी वेटेज के बेसिस पर ही आप ऊपर आए हैं, और आज आपको निफ्टी की अच्छी क्लोजिंग सेंसेक्स को लेकर मिड कैप स्मॉल कैप का इंडेक्स भी ऐसे हुआ है, स्मॉल कैप में भी लाल निशानी आपको दिखेगा, तो ये दोनों ही इंडेक्स थोड़े कमजोर बंद हुए हैं। वैसे बाजार की आज की शानदार क्लोजिंग हमको देखने को मिली, शानदार क्लोजिंग 10,500 के ऊपर ही नहीं बल्कि डिसाइसिवली ऊपर 10,550 के नजदीक पहुंचने की कोशिश की निफ्टी ने, 100 अंक बढ़कर बंद हुआ, और निफ्टी बैंक का तो कहना ही क्या, 1.5% के साथ आज ये 500 के ऊपर बंद हुआ है, ये 4 दिन में 3 बार 500 के ऊपर बंद हुआ, सिर्फ एक ही बार 500 के नीचे गए हम, और वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी बंद हुआ है, तो आज की क्लोजिंग अच्छी तो है लेकिन ये और बेहतर बनाएगी बाजार को, मुझे पूरी उम्मीद है डिप्पी, और मैं पहले भी ये चर्चा कर रहा था कि देखिए जो स्ट्रक्चर है आज का, जो कैंडलस्टिक का अगर आप पैटर्न देखें तो पैटर्न काफी अच्छा है, इसको बुलिश थ्रस्टिंग लाइन कहते हैं, और मुझे लगता है कि एक बार के लिए 10,612 ये जो निफ्टी की अगली मेजर रेजिस्टेंस है यहां तक का कूच जरूर निफ्टी करेगा, तो इन स्तरों पर लॉन्ग लेकर जाने में कोई हर्ज नहीं है, जो आज लॉन्ग लेकर के गए हैं मुझे लगता है कल भी इनको इसमें प्रॉफिट आना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस की बात करें तो 10,500 तक जब तक 10,500 के ऊपर बाजार है कोई चिंता की वजह नहीं। चलिए शुक्रिया कुणाल आपका, राकेश आपका भी, शर्मिला और सिनी आपका भी शामिल होने के लिए शो में, तो अच्छी क्लोजिंग बाजार की, 10,500 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ और 26,000 के ऊपर बंद हुआ बैंक निफ्टी, तो कल के सेशन से पहले आज काफी इंटरेस्टिंग मूव दिखा, और इसी तरह का मूव कल मिल जाए तो शुक्रवार बेहतरीन हो जाएगा, शुक्र है तो शुक्रवार ही हो जाएगा फिर, तो आज का दिन खैर बहुत शानदार था, खैर मार्केट का एक्शन खत्म हो गया लेकिन जी बिजनेस में एक्शन खत्म नहीं हो रहा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा, अभी तो शाम का पूरा एक्शन बाकी, शाम का पूरा एक्शन है, और शाम के एक्शन की आपको बता दें पहले 4:30 बजे का आपको कार्यक्रम दिखाते हैं, हम फिट हैं तो इंडिया हिट है, ये हो क्या रहा ना, ये मोदी सरकार के मंत्रियों ने शुरू किया कि देखिए आप फिट रहिए, ठीक है, अब ये वायरल सा हो गया, अब हर ऑफिस में हर जगहों पर सब लोग बताते हैं कि हम फिट हैं और इंडिया भी फिट है, इंडिया भी हिट है, तो इसके लिए इनफैक्ट इस चैलेंज में ये कहा गया है कि आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, अब शो लेकिन ठीक है, कैसे आपके लिए मददगार होगा इस पर हमारा खास शो आप देखिए शाम को 4:30 बजे, लेकिन 6 बजे भी बहुत खास है, और आमतौर पे आजकल वायरस का खतरा, हाँ वायरस का खतरा है क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड है आपके किचन में, सब ये सारे अप्लायंसेस होते हैं, टीवी, स्मार्ट टीवी होते हैं, अवन होते हैं, एसी लगाने का फैशन है, ये ऐसी चीजें जो बेसिक नीड्स में आ गई हैं, लेकिन इनसे खतरा है, इनसे खतरा ये है कि जो जो रेडिएशन इनसे निकलती हैं वो बहुत खतरनाक हो सकती है, कैसे ये नुकसान पहुंचा सकती हैं और इससे हम आपको सावधान कराएंगे, सारी बारीकियां समझाएंगे, तो 6 बजे हमारा ये स्पेशल शो, लेकिन 8 बजे तो होगी पाकिस्तान की बात, और पाकिस्तान की बात ऐसी होगी कि पाकिस्तान ने इस रमजान के महीने में सीज फायर हुआ था, उसके बावजूद भी लगातार गोलीबारी है, 5 किलोमीटर तक का भारतीय एरिया खाली करवा लिया गया, 90,000 लोग हमारे देश के बेघर हो गए उस एरिया से, लेकिन उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी नहीं रुक रही है, तो अब देश में ये आवाज उठ रही है कि इस नापाक पाकिस्तान को इस पाक महीने में सबक सिखाओ, तो इस पे हमारी चर्चा होगी ठीक 8 बजे। चलिए इसी के साथ फर्स्ट रेट को यहीं रोक रहे हैं, और कल भी बने रहिए जी बिजनेस के साथ, कल भी ढेर सारा एक्शन होगा, 11 बजे आपके लिए आईपीएल हम फिर से लेकर आएंगे इंडियन प्रॉफिट लीग, और कमाई के मौके तो दिन भर आपको जी बिजनेस पर मिलेंगे ही, इसी के साथ नमस्कार।